हरे कृष्ण। हरे कृष्ण जी, हरे कृष्ण माता जी, प्रणाम। सब हरे कृष्ण माता जी, प्रणाम। हरे कृष्ण प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु हरे जी, कृष्ण प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, प्रभु जी, प्रणाम। पूरी हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, राम राम प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम प्रभु। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण माता जी, प्रणाम। हरे कृष्णा, सभी को प्रणाम। हरे कृष्णा वंश वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। हरे कृष्णा प्रभु, सबको प्रणाम। अभी प्रारंभ करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातां सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमां विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरविषय नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते।
तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानो सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज के भक्ति रसामृत सिंधु सत्र में आप सबका स्वागत है। आज के सत्र में हम आगे चर्चा में बढ़ते हुए अध्याय संख्या 9, 10 एवं 11 इनको पूरा करने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ से आगे हमारे 4 सत्र बाकी है और हर एक सत्र में 3, 3, 3 और फिर अंतिम सत्र में 2, ऐसे 11 अध्याय पूरे होंगे। तो आप जब भी आ रहे हो तो अगले सत्र के 3 अध्याय को पहले से देख के आएंगे तो बढ़िया रहेगा, क्योंकि फिर आपको यहाँ पे समझने में बहुत आसानी होगी। तो जैसे 9, 10, 11 आज के सत्र में, फिर इसके बाद में 12, 13, 14, 15, 16, 17 और अंतिम सत्र में 18 और 19, इस प्रकार से हम लोग जो है चर्चा करेंगे, क्योंकि 4 सत्र बाकी है हमारे भाई आज का ये सत्र पकड़ते हुए। तो आज के सत्र में देखते हैं अभी हमने चर्चा की प्रारंभ की भक्ति के अंगों की, 64 अंगों की, जो छठे अध्याय से प्रारंभ की है, और उसमें 64 अंगों की सूची देख ली हमने। फिर सातवें अध्याय में चर्चा प्रारंभ हुई और प्रमुखतः पहले 18 अंगों की चर्चा हुई, बराबर है। पहले 18 अंग, जिसमें पहले 10 जो है वो प्रवृत्ति के अंग है, आगे के 10 जो है वो निवृत्ति के अंग है। तो उसमें से हमने सातवें अध्याय में पहले 10 की चर्चा की विस्तृतता से, साथ ही साथ अगले 8 अंगों की निवृत्ति वाले उसकी भी चर्चा की, और इसके पश्चात जो 8वां अध्याय था उसमें केवल एक अंग की चर्चा की, जो 19वां अंग था, है कि नहीं, अपराधों को टालना, ये जो है निवृत्ति में सेवा और नाम अपराध से बचना, इस अंग की चर्चा हमने अध्याय संख्या 8 में की। तो इस प्रकार से 6, 7, 8 में हम लोग अब तक कितने अंगों तक आए, 19 अंगों, ठीक 19 हो गए। अभी 20 से प्रारंभ करेंगे आगे। तो 20वां जो है ये अंतिम निवृत्ति वाला आइटम है, अंग है। इसके बाद में 21 से फिर अन्य जो है अंग प्रारंभ होते हैं। तो देखते हैं अभी अध्याय संख्या 9, भक्ति के अंगों का विशद विवेचन, ठीक है। तो इसके अंतर्गत देखिए निंदा, तो ये 20वां अंग है, निंदा कैसे टालनी चाहिए हमने, तो ये बताया जा रहा है। तो स्वाभाविक रूप से है भक्तों के संग में हो सकता है कि आपको हो सकता है कि हम कभी कभी वैष्णवों के साथ में है, तो सारे वैष्णव तो साधक भक्त है कि नहीं। तो साधक भक्तों के संग में कभी कभार ऐसा हो जाता है कि एक दूसरे के दुर्गुण दिखाई पड़ते हैं। तो इस ऐसे जब दुर्गुण आदि दिखाई पड़ते हैं तो भी वैष्णवों की निंदा नहीं करनी चाहिए कभी, वैष्णवों की निंदा सुननी भी नहीं चाहिए, करनी भी नहीं चाहिए। प्रभुपाद जी लिखते हैं, देखिए, भगवान और उनके भक्तों की निंदा को कभी सहन नहीं करना चाहिए। तो अगर कोई निंदा को सुन लेता है भक्तों की या करता है निंदा को, तो बहुत खतरनाक है वो उसके लिए, क्योंकि फिर उसके कारण उसको भक्ति में ऐसे व्यक्ति का पतन हो जाएगा। तो चैतन्य महाप्रभु ने हमें बताया है ये कि तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। तो महाप्रभु बोलते कि हमें तो वृक्ष से अधिक सहिष्णु होना चाहिए और तृण के तिनके से भी अधिक विनम्र होना चाहिए। लेकिन वही सहिष्णुता जब कोई निंदा करे वैष्णव की तब दिखानी नहीं होती। सहिष्णुता जो है वो निंदा कर रहा है कोई और मैं बड़ा सहिष्णु हूँ, मैं सब सहन करता हूँ, ये बात नहीं है।
तो जब महाप्रभु ने भी जगाई मधाई के द्वारा जब नित्यानंद प्रभु पे आक्रमण हुआ तो वही हमें तृणादपि सुनी चाहिए ना, जिन्होंने सिखाया महाप्रभु कितने क्रोधित हो गए, आप जानते हो लीला है कि नहीं। वहां पे जाके एकदम चक्र को उन्होंने अपने बुलाया, चक्र चक्र बोल के उनका शिरच्छेद करना चाहते थे। तो मुद्दा ये है कि जब भगवान के भक्तों के ऊपर कोई आक्रमण होता है, निंदा होती है या उनके बारे में कुछ गलत कहता है तो हम लोग सहन नहीं करते। स्वयं के ऊपर कोई अगर आपके ऊपर कुछ बोल रहा है तो वो सहन करता है वैष्णव, क्योंकि सहिष्णु होता है। तो सहिष्णुता खुद के बारे में दिखानी है, लेकिन जब वैष्णवों की निंदा वगैरह होती है तो कदापि सहन नहीं करना चाहिए उसको। तो इस वैष्णवों की निंदा को अगर कोई कर रहा है तो उसके प्रतिकार के तीन प्रकार के उपाय बताए गए हैं। तो ये अंतिम पैराग्राफ में है निंदा के। देखिए, अगर इस प्रकार से वैष्णवों का अवमान कोई कर रहा है तो तीन प्रकार से प्रतिकार किया जा सकता है। पहले, यदि कोई वाणी से निंदा करता हो तो भक्त को इतना कुशल होना चाहिए कि प्रतिपक्षी को तर्क द्वारा निरस्त कर दे। अगर कोई निंदा कर रहा है वैष्णवों की तो आप उसको परास्त कर दीजिए, आप दिखा दीजिए, खंडन कर दीजिए उसके सारे जो भी शब्द बोल रहा है उसका, कि दिखा दीजिए उसको कि कैसे गलत है ये, कैसे अज्ञान में है वो, शास्त्र के अनुसार नहीं बोल रहा ऐसे। तो ये तो होता है पहला। अगर ऐसा कोई कहा कर नहीं रहा है, उसका खंडन नहीं कर रहा है, तो फिर उसमें शास्त्र में कहा गया है उसने आत्महत्या कर देनी चाहिए, खुद को मार देना चाहिए, खुदकुशी करनी चाहिए, क्योंकि उसने वैष्णवों की निंदा सुन ली। ये जो है दूसरा प्रतिकार का उपाय है। और अगर आप ये भी नहीं कर सकते हो तो फिर आपने उस स्थान से चले जाना चाहिए, निकल जाना चाहिए बगैर कुछ सुने, निंदा सुने हुए इस प्रकार से। तो अभी इसमें से खास करके दूसरा आत्महत्या वाला जो है उसको जीवन में पालन नहीं करना है, ठीक है। प्रभुपाद जी को एक बार जब बोला गया था कि ऐसे शास्त्र में लिखा है कि वैष्णवों की निंदा करते हैं तो फिर व्यक्ति ने आत्महत्या करनी चाहिए, प्रभुपाद ने कहा हमें वैष्णवों की बहुत जरूरत है, कृपया उसको पालन मत कीजिए हमारे। तो बात यह हो रही है कि गंभीरता बताने के लिए कहा जा रहा है। इतना गंभीर है वैष्णव निंदा सुनना कि शास्त्र कह रहा है आपको परास्त नहीं कर सकते ना, तो जाके डूब मरो कहीं, हम लोग कहते हैं ना जाके डूब मर ऐसे, तो वैसे बोला जा रहा है कि ऐसे व्यक्ति ने आत्महत्या करनी चाहिए। लेकिन ये जो है इसको मतलब इसको उतारना नहीं है स्वाभाविक रूप से। तो हमें क्या करना चाहिए, एक तो वैष्णव निंदा कोई कर रहा है तो उसको परास्त करना चाहिए, उसके खंडन कर दो सारे शब्दों का। नहीं कर सकते ना आप तो कान धक्के विष्णु विष्णु बोलते निकल जाओ वहां से, बिल्कुल निंदा मत सुनो, क्योंकि निंदा सुनने से हमारी भक्ति का ह्रास हो जाता है, हमारी भक्ति में भी पतन हो जाता है। तो कोई कहेगा कि मैं सत्य बोल रहा हूं, मैं जो बता रहा हूं वो सत्य है, तुम क्यों नहीं सुनना चाहते हो सत्य, तो बोलो कि मैं नहीं सुनना चाहता हूं क्योंकि मैं मेरे भक्ति में पतन नहीं चाहता हूं, इसलिए नहीं सुनना चाहता। तो मुद्दा क्या है, वैष्णवों की निंदा जब हो रही है तो हमारा अधिकार नहीं है वो सुनने का, तो इसलिए हमने नहीं सुननी चाहिए। कभी कभार कोई अधिकारी लोग होते हैं, मंदिर के अध्यक्ष या गुरु, ये कोई वैष्णव का वहां पे उसको ठीक करने के लिए, उसके वर्तन में सुधार लाने के लिए कभी कभार उनकी निंदा सुन लेते हैं, है कि नहीं। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कोई वैष्णव गड़बड़ कर रहा है या ठीक से कार्य नहीं कर रहा है तो उसका निंदा करते हैं कोई, तो गुरु उसको सुन लेते हैं क्योंकि सुधारना चाहते हैं, तो उसमें सुधारने का भाव है, इसलिए उसको सुन के फिर वहां पे वो कुछ उसको सुधार की योजना बना के दे देंगे। लेकिन हम लोगों की अगर वो सेवा नहीं है तो बिल्कुल नहीं सुनना चाहिए। हमारी सेवा नहीं है ना, वो तो गुरु की सेवा है, किसको सुधारना है किसको नहीं सुधारना है, ये अगर हमारी सेवा नहीं है तो बिल्कुल सुनना नहीं चाहिए। तो आपको सेवा दी गई है क्या कि वैष्णवों को सुधारिए, वैष्णवों को आप ध्यान रखिए, किसी का कोई समस्या है तो उसको सुन के उसको उस प्रकार का करेक्शन दीजिए। अगर आपको ऐसी सेवा दी गई है गुरु से तो फिर वैष्णव निंदा, वो भी निंदा यानी वो सुधार के भाव से कोई बोल रहा है तो उसको सुन सकते हैं।
लेकिन अगर आपको ऐसी सेवा नहीं दी है और कोई आके बता रहा है कि देखो ये वैष्णव ऐसा है ऐसा ही करता, आपकी नहीं है ना सेवा, आप क्यों बोल रहे हो? जिसकी सेवा नहीं उसने बोलना नहीं चाहिए उसके ऊपर, ना तो किसी और ने सुनना चाहिए। आपको ऐसा कोई मिलता भी है इस वैष्णव का निंदा कर रहा है, उस वैष्णव का निंदा कर रहा है, तो उसको बोल दीजिए कि आप जाके गुरु महाराज को बताइए, आप जाके अधिकारी को बताइए, मुझे क्यों बता रहे? आप मेरे सामने बात करना चाहते हो तो मेरे सामने वैष्णवों का गुणगान कीजिए, निंदा मत कीजिए। ये बात जो है एकदम बहुत प्रकर्षता को इसको समझ लेना चाहिए, नहीं तो क्या होता है, हम लोग बद्ध जीवन में है ना, तो लोगों की निंदा लोगों की समस्या सुनने में बहुत आनंद का अनुभव करते हैं। ऐसे कोई कुछ बता रहे, आपको पता है क्या क्या हुआ उस भक्त के साथ, उसने क्या गड़बड़ किया, हाँ क्या की, क्या की, बताओ बताओ बताओ, ऐसे कान को अमृत लगता है किसी के गड़बड़ के बारे में सुनना, किसी के दोषों के बारे में सुनना ऐसे, और वही गुणगान कर रहे तो बोर हो जाते हैं। हाँ ठीक, ऐसे क्यों? क्योंकि बद्ध जीव है ना, बद्ध जीव को ऐसा ही है, निंदा अच्छी लगती है, गुणगान नहीं अच्छा लगता। तो हमें वैष्णवों के समाज में ये अंग बहुत प्रकर्षता से पालन करना चाहिए। निंदा हो रही है ना, विष्णु विष्णु विष्णु, मैं नहीं सुनना चाहता, कृपया मत बोलिए। महाप्रभु भी कभी सुनते नहीं थे वैष्णव की निंदा एकदम। तो इस प्रकार से, और अगर आपको लगता है कि वो कुछ बोलना चाहता है उसको बोलिए, सही अधिकारी के पास जाइए, आप उनको बोलिए, जो भी आप ही वो अधिकारी है तो फिर सुन को इस प्रकार से सुन लीजिए कि जिससे वो सुधार करने के लिए योजना बना सकते हैं। ऐसे नहीं कि आपको आनंद आ रहा है किसी के दुर्गुणों को बारे में सुनने में, वैसा नहीं होना चाहिए। जैसे कोई डॉक्टर होता है, तो डॉक्टर जब किसी का रोग देखता है, उस रोग का एनालिसिस करता है, डायग्नोसिस बोलते हैं ना हम लोग, वो डायग्नोसिस कर रहा है, तो वो उसमें दोष नहीं दिखाना चाहता है, वो है कि नहीं, वो क्यों करता है, ताकि उसको इलाज कर पाए, इलाज करने के लिए। तो इसीलिए वो जो है उसके रोग को देख लेता है, समझ लेता है अच्छे से क्या रोग है, ताकि इस पे इलाज कर पाए। तो वही वैष्णवों का भाव होना चाहिए, जो कि किसी में किसी की समस्या है, ये प्रभु जी सुनते नहीं है, वो प्रभु जी का ऐसे कुछ है, वो प्रभु जी के चरित्र में कुछ गड़बड़ है, ऐसे सब कुछ चीजें जब भी आती है, सबसे पहले तो देखिए मेरी सेवा है क्या ये, अगर ये मेरी सेवा है तो ही मैं इसको सुनूंगा, नहीं है तो फिर मैं नहीं सुनूंगा। और दूसरा देखिए, आपकी अगर सेवा भी है, वो आपको जिम्मेदारी दी है सब वैष्णवों को ठीक से बर्ताव कराने की, तो भी उसको एकदम दया के भाव से, सुधार के भाव से सुनिए। ऐसे नहीं कि वैष्णव की निंदा में आनंद का अनुभव कर रहे, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो ये वैष्णव निंदा जो है इसके अंतर्गत बोला गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तिलक तथा तुलसी कंठी, अभी 21 से लेके सारे निवृत्ति नहीं है, ये जो है जीवन में उतारने के अंग है। तो तिलक तथा तुलसी कंठी, तो हमने तिलक धारण करना चाहिए वैष्णव होने के कारण। तो हम जिस प्रकार से गौड़ीय वैष्णव तिलक धारण करते, कल भी चर्चा हुई थी इसकी, है कि नहीं, तो इसको धारण करना चाहिए, और साथ ही साथ गले में कंठी माला भी धारण करनी चाहिए। ये वैष्णवों का वास्तविक भूषण है। वहां पे बहुत सारे प्रमाण दिए हैं कि कैसे यमदूत ऐसे व्यक्ति को कभी भी पकड़ेंगे नहीं, यमदूतों के चपेट में नहीं आना पड़ेगा अगर किसी के पास, किसी ने गले में कंठी माला पहनी है और तिलक धारण किया है ऐसे। तो तुलसी की कंठी माला जो होती है हम लोग गले में धारण करते हैं, खास करके ऐसे गले में धारण करते हैं कि वो गले पे दिख जाए एकदम, क्योंकि कंठी कहा है, कंठी माला मतलब कंठ पे जो होनी चाहिए ऐसे। तो इस प्रकार से पहनते हैं। इस्कॉन में ज्यादातर दो माला पहनते हैं, दो राउंड्स अगर आप दीक्षित नहीं हो, तीन माला पहनते हैं मतलब तीन राउंड्स अगर आप दीक्षित हो, इस प्रकार का एक जनरल रूल है, तो इसको पालन करते हैं हम लोग। और जो तुलसी माला है उसका अर्थ होता है जैसे कि एक बार हमने तुलसी माला पहन ली गले पे, तो उस गले के नीचे कोई भी अभोज्य चीज नहीं जाएगी, जैसे कांदा लहसुन मतलब प्याज लहसुन, या फिर अन्य अन्य प्रकार के अभोज्य चीजें मांसाहार आदि, वो गले के नीचे कभी नहीं जाएगा। तो शास्त्र कहता है कि वो जो गला है वो कट जाएगा, लेकिन उसके नीचे गले से ऐसी चीज नहीं जाएगी नीचे बिल्कुल। जब कंठी माला आपने पहन ली तो बस वहां पे खत्म हो गया, और कभी
ऐसे अभोज्य चीजें नहीं खाएंगे, तो ये बात है। और वो हमारे को और दूसरे लोगों को दर्शाने का भी, स्मरण कराने का भी विधि है कि हम लोग वैष्णव है। खुद को भी हम लोग याद दिलाते हैं तिलक और ये कंठी माला पहन के, और दूसरे लोगों को भी पता चल जाता है कि ये वैष्णव है करके। उस प्रकार से उनको कृष्ण की याद आती है, विष्णु की याद स्मरण हो जाती है, विष्णु का स्मरण हो जाता है क्योंकि ये वैष्णव है करके। और हमारे लिए भी ये बहुत अच्छा है क्योंकि हम लोग कंठी माला पहने हैं, तिलक पहने हैं, तो कोई भी गलत करने के चीज करने के पहले सोचेंगे है कि नहीं, तिलक धारण किया है मैंने, लोग देख रहे, कंठी माला है मेरे गले में, लोग देख रहे, मैं कैसे कुछ गलत कर सकता हूँ। तो हमारे मन में कभी कभार गलत करने की इच्छा भी आई तो वो तिलक है कंठी है तो नहीं करेंगे क्योंकि पता है सब लोगों को कि ये तो वैष्णव है, है कि नहीं। तो इस प्रकार से, तो इसलिए ये जरूरी है, सारे भूषण है ये वैष्णव के और इसको धारण करना चाहिए। ठीक है, आगे पुष्पमाला ग्रहण करना। भगवान की जो पुष्पमाला आदि है, प्रसादी माला महाप्रसाद की, उसको ग्रहण करना चाहिए। जैसे राधा कृष्ण गौर निताय या जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा अन्य अन्य जो भी हमारे अर्च विग्रह है, उनकी माला आपको कोई अर्पण करता है, कृपावश दे देता है, तो उसको धारण करना चाहिए, उसको गले में रखना चाहिए कुछ समय, क्योंकि वो महाप्रसाद है। बाहर की दुनिया में हम लोग देखते हैं जैसे ही माला डालते हैं तो तुरंत लोग निकाल देते हैं, है कि नहीं, वो माला को ज्यादा देर रखते नहीं। लेकिन जब कृष्ण महाप्रसादी माला मिलती है तो उसको रखना चाहिए हमारे गले में, थोड़ी देर धारण करके रखना चाहिए। जैसे आपने भागवतम क्लास में भी देखा होगा, कोई माला पहनाई जाती है तो उसको रखते हैं भक्त लोग, ऐसे नहीं तुरंत निकाल देते हैं, क्योंकि वो कृष्ण की कृपा है। कृष्ण का जो पुष्पहार है, कृष्ण ने पहनी हुई माला या राधा रानी की माला या गौर निताय की माला, ये हमारे शरीर पे है तो हमें उनकी कृपा जो है, उस कृपा से के संपर्क में है हम लोग ना, तो इसलिए उसको हम धारण करते हैं। कभी कभार तो हम लोग ड्यूटी वर्शिप करता हूँ मैं भी, तो कभी कभी राधा कृष्ण अर्च विग्रहों को की श्रृंगार सेवा होती है वगैरह, तो कोई ऐसे कृष्ण का गारलैंड है या राधा रानी जी का गारलैंड है तो हम लोग पहन लेते हैं उसको, दिन भर पहनते हैं दिन भर उसको, क्योंकि अभी तो आश्रम में है तो आश्रम में तो गारलैंड पहन के दिन भर भी घूमोगे तो कोई कुछ बोलेगा नहीं। आप शायद बाहर की दुनिया में जॉब कर रहे हो तो लोग पूछेंगे क्या हो गया, ये माला क्यों पहन के आया है तो वो तो ठीक है, लेकिन मैं कहना ये चाहता हूँ कि वो माला को धारण करना चाहिए। उद्धव जी बड़ा सुंदर श्लोक कहते हैं, वो कहते हैं कि उच्छिष्ट भोजनो दासांस तव मायाम जये महि। हे भगवान, आपके आपके महाप्रसाद को खाके, आपकी माला पहन के, आपके महाप्रसादी वस्त्रों को धारण करके हम लोग माया को परास्त कर देंगे, हम लोग माया को परास्त कर देंगे। कितना सुंदर, तव मायाम जये महि, हे कृष्ण आपकी माया पे विजय प्राप्त कर सकते हैं हम। तो इसलिए ये महाप्रसाद की माला है, ये कृष्ण की कृपा है हमारे ऊपर और इसको हम धारण करते हैं, पुष्पमाला आदि, ये जो है ये बात है। आगे बढ़ते हैं, श्रीमूर्ति के सामने नाचना, तो नृत्य करना भगवान के मूर्ति के सामने, अर्च विग्रह के सामने, तो ये बड़ा सुंदर भक्ति का अंग है। नृत्य करने में हमने लज्जा का अनुभव नहीं करना चाहिए भगवान के सामने, नृत्य करना एक अंग है भक्ति का, है कि नहीं। तो शुरुआत में तो हम लोग थोड़े संकोच का अनुभव करते हैं, लेकिन भक्तों के संग में भगवान के लिए जब नृत्य करते तो भगवान बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसे भक्तों को भगवान जो है अपनी कृपा दृष्टि से उन पे बहुत कृपा जो है उसको प्रदान करते हैं, तो इसलिए भगवान के लिए नृत्य करने में संकोच नहीं करना चाहिए। अर्थात नृत्य जो है वो थोड़ा सुंदर मतलब मैं कह रहा हूँ, नृत्य जो है थोड़ा ठीक ढंग से करना चाहिए, नहीं तो अलग अलग प्रकार के बैकग्राउंड से आते हैं हम लोग नृत्य करते हैं तो पता नहीं नृत्य कैसे कैसे हो जाएंगे। तो हम कैसा नृत्य करते हैं, जैसे महाप्रभु ने हमें, प्रभुपाद जी ने सिखाया, महाप्रभु के संप्रदाय में जैसे होता है, इस प्रकार से हाथ खड़ा करके हम लोग, जो प्रभुपाद जी ने स्वामी स्टेप सिखाया, आप जानते हैं ना स्वामी स्टेप, स्वामी स्टेप यानी पांव को यहाँ और यहाँ ऐसे करना बस, तो इस प्रकार से नृत्य करते हैं, या फिर हाथ खड़े करके गोल घूमते हैं, ये वैष्णव के नृत्य करने का तरीका है ऐसे।
तो ऐसे नहीं सोचना चाहिए ये नाचने वाले लोग भक्त लोग जो है सेंटिमेंटल है करके, बिल्कुल बहुत भावनिक है। मैं तो बहुत बुद्धिमान हूँ इसलिए मैं ऐसा खड़ा रहता, मैं नाचता नहीं हूँ। नहीं नहीं भगवान बोलेंगे अरे इसको मैंने इतना स्वस्थ शरीर दिया, इतनी अच्छी इंद्रियां दी, इतना बेकार है ये नृत्य नहीं करता तो भी, ऐसे भगवान सोचेंगे। तो इसीलिए हमें चाहिए कि भगवान के नृत्य में उत्साह से सम्मिलित हो। अर्थात अगर आपको कुछ परेशानी है, जैसे आपको पीठ दर्द है या फिर अन्य अन्य प्रकार का शारीरिक व्याधि है, तो समझ सकते हैं कि ठीक है बहुत ज्यादा नृत्य नहीं कर सकते ऐसे, तो ठीक है। लेकिन अगर आपका शरीर स्वस्थ है तो आलस के कारण या फिर ऐसे कुछ सोचने के कारण कि मैं नहीं करूंगा नृत्य, ये तो भावनिकता है, ये भाव बिल्कुल नहीं होना चाहिए। भक्ति का एक अंग है सीधा, आप यहाँ पे पढ़ रहे हो ना, नृत्य यानी भक्ति का अंग है और इसको करना चाहिए, इसको उत्साह से संकीर्तन में आदि में सम्मिलित होना चाहिए। ठीक है आगे देखिए, इसमें इस संकीर्तन में नृत्य करने के ऊपर बहुत बहुत सारे सुंदर कोट भी है, प्रमाण है। जब हम लोग ताली बजाते हैं संकीर्तन में और नाचते हैं तो वो तालियों के साथ हमारे शरीर में हमारे मन में जो पाप के पंछी बैठे हैं ना वो उड़ के चले जाते हैं। इतना सुंदर वहां पे प्रमाण है। देखिए जैसे ताली बजा दी आपने जोर से तो सब पंछी उड़ जाएंगे ना, उसी प्रकार से पाप के पंछी उड़ जाते हैं जब हम केवल ताली बजाते हैं कीर्तन में और नृत्य करते हैं, पातक रूपी पक्षी उड़ जाते हैं सब कुछ, ऐसी बात बताइए। ओके आगे, श्रीमूर्ति के सम्मान में दंडवत प्रणाम और अभ्युत्थान। जहाँ पे भी भगवान की जो मूर्ति है उनके सामने हमने दंडवत प्रणाम करना चाहिए, और खास करके जब आप कहीं हो और अगर रथ यात्रा हो रही है, भगवान आपके सामने प्रकट हो रहे हैं एकदम से रथ यात्रा में, या फिर आप कहीं पे कभी कभार डीटी उत्सव मूर्ति को लेके आ जाते हैं भक्त, तो तुरंत हमें दंडवत प्रणाम करना चाहिए। ऐसे नहीं आप बैठे हो और बस अर्च विग्रह आ गए तो देख रहे हो उनको, बस ऐसे देखना नहीं चाहिए, तुरंत दंडवत प्रणाम करना चाहिए। अर्च विग्रह आते ही रथ यात्रा हो अन्य अन्य प्रकार से जहां पे भी हो आप अभ्युत्थान और दंडवत प्रणाम। अभ्युत्थान यानी उठ खड़े हो जाना, उठना, तो उठ के तुरंत दंडवत प्रणाम करना चाहिए भगवान को। भगवान के सामने जब भगवान हमारे सामने प्रकट हो रहे तो बैठे नहीं रहना चाहिए, उठ जाना चाहिए। जैसे मंदिर हॉल में भी आरती शुरू हो रही है और शंख बजा दिया, जब पर्दा खुलता है तो उठना चाहिए तुरंत, क्योंकि भगवान का दर्शन हो रहा है और आप बैठे हो, ये ठीक नहीं है चीज। अर्थात कभी कभार भागवतम क्लास के वक्त वगैरह हो सकता है कि दर्शन खुल रहा है और आप भागवतम श्रवण कर रहे हो, तो उसमें उठ गए तो डिस्टर्ब हो जाएगा सब क्लास, तो तब ठीक है, तब समझ सकते, तब बैठे रहिए। लेकिन अगर ऐसा कुछ हो नहीं रहा है तो आप मंदिर हॉल में हो या अन्यत्र भी जहां पे भी हो, भगवान जैसे आपके सामने समक्ष आएंगे तो तुरंत उठ जाना चाहिए और भगवान को प्रणाम करना चाहिए, ये वास्तविक भक्ति का अंग है। ओके आगे, श्रीमूर्ति का अनुगमन। जब भगवान की मूर्ति है तो ऐसी रथ यात्रा वगैरह हो रही है तो मूर्ति के पीछे चलना चाहिए। एटलीस्ट मानिए रथ यात्रा चल रही है, आप पूरी रथ यात्रा अंत तक जा नहीं सकते, तो कुछ समय तक तो भगवान की रथ यात्रा में सम्मिलित होते हुए, भगवान की शोभा यात्रा में सम्मिलित होते हुए कुछ समय तक चलना चाहिए, थोड़ा तो चलना चाहिए। ऐसे नहीं रथ यात्रा हो रही है और आप बस अपने अपने मार्ग पे चले गए, नहीं, तो थोड़ा सा रथ यात्रा में कुछ नहीं तो 2 मिनट 4 मिनट 5 मिनट तो चल लीजिए, भगवान के पीछे चलना चाहिए, अनुगमन ये जरूरी है। आगे, विष्णु मंदिर अथवा तीर्थ गमन। हमें चाहिए कि खास करके तीर्थों को गमन करना चाहिए, तीर्थों को जाना चाहिए, जैसे वृंदावन मथुरा द्वारका, ये बहुत धन्य तीर्थ है और इनमें निश्चित रूप से व्यक्ति ने जाना चाहिए। ऐसे तो ये जो है खास करके तीर्थों को या इन धामों को जाके वहां पे गमन करने की बात हो रही है। इसके पहले तो हमने द्वारकादौ निवास चर्चा की थी कि तीर्थ क्षेत्र में रहना चाहिए, तो यहाँ पे बात हो रही है खास करके तीर्थ क्षेत्र में जाना चाहिए, जैसे मथुरा वृंदावन आदि, इनको तो हम लोग भी करते हैं, ये है कि नहीं, यात्रा वगैरह होती है तो यात्रा में हम लोग जाते हैं तीर्थों को, तो
एटलीस्ट जो भी है साल में एक बार हो तो समय निकाल के तीर्थ क्षेत्रों को जाना चाहिए, जैसे वृंदावन, मथुरा, द्वारका, अन्य अन्य जो भी तीर्थ है करके ना? तो अर्थात इसमें आपके जो वरिष्ठ है, आपके जो गुरु है, उनकी इच्छा के अनुसार इसको करना चाहिए। लेकिन ये अंग भक्ति का महत्वपूर्ण है। मे भी आप हर साल नहीं जा पाते हो या साल में दो बार नहीं जा पाते हो, लेकिन जो भी है कुछ फ्रिक्वेंसी से तीर्थों को विजिट करना चाहिए, है कि नहीं? आप में से भी कई लोग शायद वृंदावन मथुरा आए होंगे या आते होंगे रेगुलर रूप से, जब भी संभव है वगैरह। तो इस प्रकार से करना चाहिए, तीर्थों में गमन बड़ा जरूरी है। क्योंकि फिर हम लोग जब जाते हैं तो ऐसे व्यक्ति को भगवान श्री कृष्ण की सेवा, भगवान श्री कृष्ण का स्मरण बहुत प्रकर्षता से कैसे किया जाता है ये देखने को मिलता है धाम में। क्योंकि कृष्ण भावनामृत कितना प्रकर्षता से दिखाई पड़ता है कि नहीं? जहां पे भी जाओगे, अभी मैं यहाँ पे जैसे गोवर्धन में हूँ, पूरे दिन भर में वो परिक्रमा मार्ग से राधे राधे कृष्ण जय हो गिरिराज सुनाई देता रहता है। एकदम आप ऐसे ही बैठे हो तो भी सुनाई देता है, कोई गाना कृष्ण के गीत गा रहे हैं, कोई राधा रानी के गुणगान कर रहे, कोई गिरिराज का गुणगान कर रहे है। ऐसे तो इतनी प्रकर्षता, जहां पे भी जाओ वहां पे कुछ कथा चल रही है, कुछ कीर्तन चल रहा है, तो इससे बड़ा कृष्ण भावनामृत में वृद्धि होती है, इसलिए ये भी जरूरी। आगे विष्णु मंदिर की परिक्रमा, हमें चाहिए कि भगवान के मंदिर की परिक्रमा करें। खास करके परिक्रमा जो है चार बार करनी चाहिए विष्णु मंदिर की। चार बार परिक्रमा का जो है वो विधि है। और चातुर्मास्य में तो कहा है कि चातुर्मास्य में खास करके भारत में वर्षा का ऋतु होता है, तो यहाँ वहां लोग जा नहीं सकते हैं। तो चातुर्मास्य में अगर कोई विष्णु मंदिर की चार बार परिक्रमा कर दे तो वो ऐसे है जैसे विश्व के सारे तीर्थ की परिक्रमा हो, इतना उसमें फल है। विश्व के सारे तीर्थ की जो है परिक्रमा करने से करने के जैसा है। तो इसलिए विष्णु मंदिर की परिक्रमा करनी चाहिए। आप बहुत बार देखे होंगे भक्त लोग जप करते हैं, परिक्रमा करते हुए जप करते हैं। अगर वैसा विशाल मंदिर है जहां पे परिक्रमा हो सकती है वगैरह तो कर सकते हैं। अगर मानिए वैसा विशाल मंदिर नहीं है, छोटा सा मंदिर है, या घर में ही मंदिर है किसी के छोटा सा, और वहां पे आके भक्त लोग सब प्रोग्राम करते हैं, तो वही भगवान के ऑल्टर को फिर वहां पे प्रदक्षिणा कर सकते हैं, इस प्रकार संभव है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अर्चना, तो अर्चना ये बहुत भक्ति का महत्वपूर्ण अंग है, और इस अर्चना के अंतर्गत तो बहुत सारे विषयों की चर्चा होगी, आगे भी होगी। लेकिन मुद्दा यह है कि फंडामेंटल सिद्धांत, मूलभूत सिद्धांत है अर्चना, और इस अर्चना को बहुत महत्व दिया गया है। भक्ति के पांच शक्तिशाली अंगों में अर्चना एक आता है। क्योंकि अर्चना क्या करता है, भगवान के सेवक के रूप में हमें स्थित कर देता है। अर्चना, अर्चना यानी देखो हम भगवान की सेवा कर रहे हैं, जैसे भगवान को आरती कर रहे हैं, भगवान को चामर डुला रहे, भगवान को पंखा कर रहे, भगवान को भोजन जो है वो अर्पण कर रहे हैं, तो एकदम दास के रूप में सेवा कर रहे। कभी कभार हम लोग प्रीचिंग करते हैं या अन्य अन्य कुछ सेवाएं करते हैं तो वो भी भगवान की ही सेवाएं हैं, लेकिन हमारा भाव ऐसा हो सकता है कि मैं प्रचार कर रहा हूँ, देखो मैं लोगों को जो है कृपा दे रहा हूँ मेरी। लेकिन जब कृष्ण के सामने खड़े रह के अर्चना में सेवा करते हैं तो एकदम सेवा का भाव कि मैं भगवान का दास हूं करके। अर्थात प्रचार की भी सेवा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, प्रचार की भी सेवा कृष्ण की ही सेवा है, एकदम निजी सेवा है, लेकिन मैं कह रहा हूँ हमारी बद्धता के कारण ऐसा भाव आ सकता है उसमें कि ये तो मैं कर रहा हूँ, ये मेरी महानता है ऐसे। लेकिन कृष्ण की सेवा में, अर्चना में, आप दास के एकदम 100% मूड में वहां पे खड़े रहोगे, क्योंकि आप तो कृष्ण की सेवा कर रहे हो सीधे सीधे। जो आध्यात्मिक जगत में करना है सेवा, यही तो सेवा है। तो इसलिए अर्चना या फिर भगवान के नामों का गुणगान जो भी आदि अर्चना के अंतर्गत हम लोग करते हैं वो जो है वो बहुत महत्वपूर्ण अंग कहा गया है, अर्चना जो है वो। तो यहाँ पे सुदामा का भी उदाहरण दिया है। सुदामा जो है अर्चना पद्धति का गुणगान करते हैं। तो
मुद्दा यही है कि अर्चना के विधि को सीख लेना चाहिए और प्रॉपर ब्राह्मण दीक्षा आदि होने के बाद अर्चना के अवसर को बिल्कुल गवाना नहीं चाहिए। तो इसके बारे में और चर्चा होगी जब हम भक्ति के पांच शक्तिशाली अंग की चर्चा करेंगे, तो अभी तो इस पे ज्यादा विस्तार से चर्चा नहीं कर रहे, ये बात है। इसके बाद में भगवान की परिचर्या की बात हो रही है, सेवा की। तो देखिए, पहले अर्चना की बात हुई, फिर बाद में ये सेवा। तो अर्चना तो केवल ब्राह्मण, मतलब जो ब्राह्मण दीक्षित भक्त है, पांच रात्रि की दीक्षा जिसको बोलते हैं, वो भक्ति कर सकते हैं। लेकिन परिचर्या जो है वो भिन्न क्यों कहा है? भगवान की सेवा, क्योंकि ये कोई भी कर सकता है। जैसे परिचर्या के अंतर्गत खास करके राजोचित भगवान की सेवा, जैसे राजा की कोई सेवा होती है, जैसे उसको चामर ढुलाया जाता है, या जैसे वैभवशाली चीजें राजा की सेवा में होती है, उसी को परिचर्या कहते हैं। तो खास करके इसलिए बड़ा जरूरी है कि भगवान की सेवा जो है एकदम राजा की तरह करनी चाहिए। ऐसे नहीं कि भगवान की सेवा में कुछ हम लोग कुछ दे नहीं रहे हैं, सब कुछ सरलता की चीजें दे रहे हैं केवल, नहीं, अच्छे से एकदम ग्रैंड, अंग्रेजी में ग्रैंड बोलते हैं ना, तो ग्रैंड सेवा करनी चाहिए भगवान की। सारे सुंदर उनके लिए व्यंजन बनने चाहिए, सारा आरती का सामान जो है वो बढ़िया से होना चाहिए। ऐसे नहीं चामर जो है वो पूरा, उसके बाल फट गए, निकल गया बेचारा, कभी अभी पता नहीं चामर कहाँ कब गिर जाएगा, या फिर पंखा जो है उस पंखे के मोर पंख जो है सब निकल गए, सिर्फ वो जो लाठी है वो लाठी दिख रही है और बाकी कुछ है नहीं। ऐसे नहीं होना चाहिए, एकदम अच्छे से भगवान की सेवा जो है वैभव से करनी चाहिए। अगर ऐसी कुछ चीजें टूटी फूटी है तो तुरंत नई लानी चाहिए अच्छे से एकदम। और चामर जो है परिचर्या, ये खास करके कहा गया है राजोचित, ये भगवान की सेवा में चामर का उपयोग निश्चित करना चाहिए, क्योंकि चामर जो है एक राजोपचार है, राजोचित सेवा है। मतलब जैसे राजाओं की सेवा होती है ना, चामर ढुलाया जाता है, वैसे भगवान को भी चामर डुलाना चाहिए। तो प्रभुपाद जी कहते हैं इसलिए भगवान की सेवा में कुछ अच्छी चीजें देने के लिए जो महंगी है, या फिर भगवान की सेवा में वैभवशाली चीजें देने के लिए कभी पीछे हटना नहीं चाहिए। जिनके पास धन है खास करके, उन्हें निश्चित रूप से विष्णु के अर्चन की व्यवस्था करनी चाहिए और वो धन देना चाहिए। पहले जमाने में तो आपको याद होगा राजा लोग बहुत धन दे देते थे मंदिरों को, वो तो पूरी जमीन दे देते थे, कई कई एकड़ जमीन दे देते थे, जिससे कि उस जमीन पे भगवान की सेवा के लिए फूल फल सब बना सकते हैं, साथ ही साथ अन्य अन्य जो भी चीजें चाहिए वहां से उत्पन्न हो सकते, भगवान के भोग के लिए अनाज उगा सकते हैं, और क्या 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 जो भी चाहिए वो ऐसे। तो जिनके पास धन है उन्होंने भगवान की सेवा के लिए निश्चित रूप से धन प्रदान करना चाहिए, जिससे कि भगवान की सेवा राजोचित उपचार से हो। ये जो है परिचर्या का बोध हो रहा है। आगे बढ़ते हैं गान। तो भगवान के ये गान जो है, भगवान के लिए गाना, तो इसकी स्तुति बहुत हुई है शास्त्र में। तो भगवान के सेवा में हमने भी गाना चाहिए, गान करना चाहिए। भगवान के गुणगान करने के लिए, कीर्तन आदि गाने के लिए हमें कहा जाए तो पीछे नहीं हटना चाहिए, आतुर होना चाहिए कि भगवान के लिए कुछ गुणगान करे वगैरह। अर्थात जब अभिषेक वगैरह होता है तो हो सकता है कोई अच्छे अच्छे से गाने वाले गायक भक्त को सेवा दी जाए, वो जो कि ठीक ही है, क्योंकि बहुत सारे लोग आ रहे हैं सुन रहे हैं, तो सबको अच्छा अनुभव होना चाहिए गाने का। लेकिन इन जनरल एक भक्त होता है, वो भगवान की गाने की सेवा, भगवान के लिए गाने की सेवा मिलती है तो उसमें पीछे नहीं हटता है, वो बहुत अच्छा भगवान की सेवा है वो। क्योंकि गाना जो है वैष्णवों ने ही गाना चाहिए भगवान की सेवा में, नहीं तो कभी कभार अभक्त लोग बहुत अच्छी आवाज भी हो उनकी लेकिन उनमें भक्ति नहीं है ना, तो वो भक्ति नहीं है तो भगवान को वो पसंद नहीं आता है। हालांकि गाने में बड़ा अच्छा सुरेला आ करके आलाप वगैरह करके गाएंगे, राग रागिनी सुर ताल लय सब कुछ संगीत का डाल देंगे, लेकिन अगर उसमें भक्ति ही नहीं है तो क्या हो गया? ऐसे हो गया जैसे कोई बंदूक है और गोली है, लेकिन आप गोली जो है बंदूक से नहीं मार रहे हो, गोली ऐसे फेंक के मार रहे हो, उससे कुछ होगा? गोली ऐसे फेंक के मारी कुछ
वो बंदूक होनी चाहिए उसमें, तब गोली का असर होगा। तो वैसे ही भक्ति हृदय में नहीं है तो मुख से जो गान निकल रहा है उसका कुछ असर नहीं होगा ज्यादा। ऐसे कभी कभार हम लोग जन्माष्टमी वगैरह फेस्टिवल में ऐसे गायकों को सेवा दे देते हैं कृष्ण की, वो ठीक है, बट भक्तों के भक्तों से गान सुनना भगवान बहुत पसंद करते हैं। ये हमारे रेगुलर आरती प्रोग्राम में वगैरह भक्तों ने गाना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। तो ये हो गया गान, आगे बढ़ते हैं संकीर्तन। तो संकीर्तन तो आप जानते हो भगवान का उच्च स्वर से नाम रूप गुण लीला गाना, इसको कहते हैं संकीर्तन। तो ये संकीर्तन की बड़ी महिमा है। कलयुग में यही यज्ञ है, यज्ञ जो कलयुग है उसमें हरि कीर्तन हरि संकीर्तन यही मार्ग है एक्चुअली पूरे आत्म साक्षात्कार का। यज्ञ संकीर्तन प्रायर यजंती ही सुमेधसः कहा गया है। संकीर्तन यज्ञ के द्वारा कलयुग में भगवान को सबसे ज्यादा हम लोग जो है वो प्रसन्न कर सकते हैं। तो पहला वाला जो था इसके पहले गान, वो इन जनरल अकेले भी भगवान के सामने कोई गा रहा है तो उसको गान कहते हैं। ये संकीर्तन यानी एक साथ आके भक्त लोग एक साथ आके जब भगवान के गान आदि कर रहे हैं उसको संकीर्तन कहा है। पहले गान जो था उसमें ऐसे भी हो सकता है कि कोई अकेला भगवान की प्रसन्नता के लिए गा रहा है, लेकिन संकीर्तन में एक साथ है ये बात हो रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हुए गुण कीर्तन, भगवान के गुणों का कीर्तन, भगवान के कीर्ति का कीर्तन, भगवान के बारे में कथा जो है वो करना, इसको भी कीर्तन ही कहा गया है। ये गुण कीर्तन कहलाता है, लेकिन नाम कीर्तन हो सकता है वैसे ही गुण कीर्तन हो सकता है। तो ये भगवान के गुण कीर्तन यानी भगवान की गुणगान को करना, भगवान के गुणगान को कथा आदि को करना, ये भी कीर्तन कहलाता है, इसको गुण कीर्तन कहेंगे। ठीक है, आगे मैं इन तत्वों को समझा रहा हूँ थोड़ा थोड़ा, क्योंकि आप जानते हो कुछ सुना है इसके बारे में आपने, और कुछ एडिशनल अतिरिक्त चीज मुझे बोलनी है तो उसको बोल के मैं आगे बढ़ रहा हूँ बस। ठीक है, जप, तो जप जो है ये भी भक्ति का बहुत महत्वपूर्ण अंग है, सबसे महत्वपूर्ण इनफैक्ट, क्योंकि गुरु महाराज को हमने वचन दिया है 16 माला हम करेंगे, जप करेंगे नित्य हर दिन प्रतिदिन। तो इसलिए जप को उच्चारण करना चाहिए हर दिन। और जप जो है वो संकीर्तन से कैसे भिन्न है, जप का उच्चारण जो होता है वो मंद ध्वनि से होता है। तीन प्रकार के जप के उच्चारण होते हैं, एक होता है मानस, एक होता है उपांशु, और तीसरा होता है वाचिक। वाचिक, मानस, उपांशु, तो ऐसा तीन प्रकार का जप होता है। जब आप मन में जप करते हो जो कोई नहीं सुन सकता, केवल मन में, बड़ा कठिन होता है ऐसा, तो ये हो गया मानस जप। फिर उसके बाद में ऐसा जप करना जो मंद ध्वनि से है, केवल आप सुन सकते हो, बाकी लोगों को सुनना है तो एकदम नजदीक आना पड़ेगा आपके, तो वो हो गया उपांशु जप, उपांशु कहते हो उसको। और तीसरा, सब कुछ सब लोग सुन सकते हैं ऐसा जप, वो हो गया वाचिक। ऐसे तो जप जो है उसका विधि है उपांशु स्तर पे करना चाहिए जप, मानस स्तर पे या वाचिक स्तर पे नहीं करना चाहिए जप, जप को उपांशु विधि से करना चाहिए। अगर आपको उपांशु विधि से करते हुए कुछ परेशानी हो रही है सुनने में तो फिर थोड़ा बड़ी आवाज में कर सकते हैं जो अन्य भी सुनते हैं, लेकिन ऐसा जप नहीं करना चाहिए इतने जोर से हरे कृष्ण कि बाकी लोग बोल रहे प्रभु जी कृपया हमको भी जप करने दीजिए, हम भी करना चाहते हैं। तो इतने बड़े आवाज से नहीं करना चाहिए जप, यानी उपांशु अपने मंद ध्वनि से स्वयं सुन सकते हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे राम, इस प्रकार से जप जो है करना चाहिए। ऐसे अगर नींद आ रही है या फिर सुन नहीं पा रहे तो थोड़ा सा बड़े आवाज से कर सकते हैं, नहीं तो इन जनरल जप का विधि उपांशु का होता है। वाचिक जप है या फिर मानस जप है, ये हरिदास ठाकुर तीनों प्रकार का जप करते थे, 64 माला वाचिक करते थे, 64 माला उपांशु करते थे, 64 माला मानस करते थे, इस प्रकार से। लेकिन हमें प्रभुपाद जी ने रिकमेंड किया कि हमने जो है जप अपने उपांशु तरीके से करना चाहिए।
और इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि हम लोग जप में फोकस कर पाएंगे। प्रभुपाद जी ने भी लिखा है, देखिए, जब दूसरे सुन सकते हैं हरे कृष्ण को जप को, तो वो हो जाता है कीर्तन, लेकिन जब हम केवल खुद को सुन सकते हैं इस प्रकार से करते हैं तो वो होता है जप। तो ये दोनों में अंतर है, जप और कीर्तन में ऐसे। और वही महामंत्र को जब गाया जाता है सब मृदंग करताल के साथ, वो हो गया संकीर्तन ऐसे, इस प्रकार से इसको समझ सकते। आगे बढ़िए, विज्ञप्ति निवेदन। तो विज्ञप्ति ये भी बहुत महत्वपूर्ण अंग है भक्ति का, इसको समझने का प्रयास करते। देखिए, विज्ञप्ति में बताया गया है कि तीन प्रकार के भगवान को निवेदन कर सकते हैं। विज्ञप्ति यानी भगवान को निवेदन करना, भगवान के सामने व्यक्त करना, प्रार्थना करना सीधे शब्दों में। तो तीन प्रकार की प्रार्थना होती है, संप्रार्थनात्मिका, दैन्य बोधिका और लालसामयी। तो इन प्रार्थनाओं को समझिए, प्रार्थना के विषय में बहुत अच्छा जानकारी है ये। तीन प्रकार की प्रार्थना होती है, संप्रार्थनात्मिका, दैन्य बोधिका, लालसामयी ऐसे। तो जब हम लोग भगवान के गुणगान करते हैं तो वो प्रार्थना संप्रार्थनात्मिका कहलाती है। जब हम भगवान के सामने हमारी दीनता को कहते हैं वो दैन्य बोधिका कहलाती है। और जब कोई समसिद्धि की अभिलाषा करते हैं तो वो लालसामयी कहलाती है। तो देखिए, इसको हम लोग उदाहरण से देख सकते हैं। जो लालसामयी है या जो दैन्य बोधिका है या संप्रार्थनात्मिका है, तो इसका पहला उदाहरण प्रभुपाद जी ने नीचे के पैराग्राफ में दिया है। पद्म पुराण में भक्त की संप्रार्थनात्मिका विज्ञप्ति है, हे नाथ, आपके चरण कमलों में निवेदन है कि युवतियों का मन युवकों में और युवकों का मन युवतियों में जिस प्रकार रमता है, उसी भांति मेरा मन भी सहज रूप में आप में रमन करे। युवती नाम यथा युनि, युनाम च युवतो यथा, मनो भी रमते तद्वद मनो में रमतांत वही, ऐसे नाम की ये प्रार्थना है। तो क्या बोला जा रहा है यहाँ पे कि जैसे स्वाभाविक रूप से इस जगत में पुरुष स्त्री का आकर्षण है, वैसा आकर्षण है भगवान मेरा आपके प्रति हो जाए। तो इस जगत में तो काम विकार है, लेकिन भगवान के प्रति हमारा सहज प्रेम का विकार होना चाहिए, सहजता से हम भगवान की ओर आकृष्ट हो जाए। इस प्रकार का ये जो प्रार्थना है इसको संप्रार्थनात्मिका कहा है खास करके। तो ये संप्रार्थनात्मिका में हम लोग देखते हैं कि ऐसे ये जो संसिद्धि है उसकी बात करते हुए हम लोग प्रार्थना करते हैं। इन जनरल बेसिकली भगवान का गुणगान करते हैं और इस प्रकार की प्रार्थना जो है वो करते हैं। दैन्य बोधिका थोड़ा अलग है, उसमें क्या होता है, दैन्य बोधिका में हम लोग हमारे पतित अवस्था की प्रार्थना करते हैं। हम लोग कैसे पतित है, जैसे वैष्णव गीत देखे होंगे आपने, आमार जीवन सदा पापे रत नाही कपनेर लेश ऐसे। या फिर यहाँ पे एक प्रार्थना बोली है पद्म पुराण से, मत समो नास्ति पाप आत्मा नापराधी च कश्चन परिहारे पी लज्जा में किम ब्रुवे पुरुषोत्तम। मेरे समान न तो कोई पापी है और न कोई अपराधी, क्या कहूँ आपके समान आत्मनिवेदन, आपके सामने आत्मनिवेदन करने के लिए आने में भी लज्जा होती है। ये भगवान को कह रहा है भक्त, यू नो, बड़ा प्रसिद्ध है, डीटी वर्शिप में भी हम लोग इस श्लोक को बोलते हैं। ये जो श्लोक है विज्ञप्ति पंचक में आता है, मत समो नास्ति पापात्मा नापराधी च कश्चन, मेरे जैसा कोई पापात्मा नहीं, कोई अपराधी नहीं। परिहारे पि लज्जा में, हे भगवान, इसको आपके सामने आने में भी मेरे को लज्जा आ रही है। किम ब्रुवे पुरुषोत्तम, हे पुरुषोत्तम मैं क्या कहूँ इस प्रकार से। तो ये जो है ऐसी दैन्य बोधिका, खुद की दीनता बताई जा रही। और अंत में आता है जिसमें लालसामयी की चर्चा हो रही है। लालसामयी मतलब जिसमें भक्त कुछ अभिलाषा को व्यक्त करता है कि हे भगवान, कब ऐसा वो दिन आएगा, कब ऐसा वो दिन आएगा। जैसे यहाँ पे प्रार्थना है नारद पंचरात्र से, अगले पैराग्राफ में देखिए, हे नाथ, भक्त कहता है, हे नाथ, लक्ष्मी के साथ आप विराजमान, आप चामर को, आपको चामर डुलाने में लगे हुए मुझको
अपने गंभीर वाणी से ऐसा करो, यह आदेश कब देंगे आप? मतलब यहाँ पे बोला जा रहा है कि कब वो ऐसा दिन आएगा जब मैं चामर लेके खड़ा हूं और भगवान कहेंगे कि ठीक है ऐसे चामर करो मुझे। एक लालसा व्यक्त हो रही है, अभिलाषा व्यक्त हो रही है। वैष्णव गीतों में भी आपने देखा होगा, कबे हो कबे हबे से दिन आमार, ये जो प्रार्थना है लालसामयी प्रार्थना है। या फिर वो भी बड़ा प्रसिद्ध भजन है, रूप रघुनाथ पदे होई बे आकुति, कमे कबे हाम हे रबो से युगल प्रीति। ये सारे वैष्णव सॉन्ग है, प्रसिद्ध है। आप लोग भी गाते होंगे इन वैष्णव सॉन्ग को थोड़ा थोड़ा, है कि नहीं? तो उन वैष्णव सॉन्ग में ये भाव प्रकट हो रहा है, लालसा, ये लालसा हो रही है इस प्रकार से। नरोत्तम दास ठाकुर भी गाते हैं, राधा कृष्ण प्राण मोर, उसमें भी हम लोग देखते हैं बात कर रहे हैं, लालसा व्यक्त कर रहे हैं। तो ऐसे लालसामयी, तो तीन प्रकार के निवेदन भगवान को करते हैं। एक तो संप्रार्थनात्मिका, जिसमें भगवान का गुणगान करते हैं, भावमय प्रार्थना अर्पण करते हैं। दैन्य बोधिका, जिसमें दीनता बोलते हैं, और लालसामयी यानी कोई अभिलाषा करते हैं। ऐसे तीनों प्रकार की प्रार्थनाएं हमने सीखनी चाहिए शास्त्रों से और उसको बोलना चाहिए। प्रभुपाद जी देखिए अंतिम पैराग्राफ में बड़ा सुंदर भाव लिख रहे हैं, इसी अंग में अंतिम भाव यह है कि श्री भगवान के लिए रोने की कला सीखनी चाहिए। किसी न किसी प्रकार की भगवत सेवा में लगने के लिए वास्तव में उत्कंठा पूर्वक रोए, इस भाव का नाम लौल्य है और ऐसा अश्रु विमोचन ही परम संसिद्धि का मूल है। तो देखिए हम लौल्यम की बात किए थे ना, साधन भक्ति तो भाव भक्ति प्रकट करने के लिए ही होती है। तो साधन भक्ति से रागानुग भक्ति तक और फिर वहां से भाव में जाने के लिए लौल्य बड़ा जरूरी है। और वो लौल्य अगर आपको चाहिए तो भगवान के सामने रोने की यानी हम लोग ऐसे नहीं बोल रहे नेसेसरीली कि रोने की यानी अश्रुपात करने की, भगवान के सामने हृदय रोना चाहिए। हृदय जो है वो हमारा रोना चाहिए। तो निवेदन जब करता है ना कोई भगवान को, ऐसे विज्ञप्ति आदि, उसमें ये भाव है कि भगवान के सामने निवेदन करे। जो बहुत प्रार्थना का भाव रखता है ना भगवान के प्रति, ऐसा व्यक्ति भगवान की कृपा को प्राप्त करेगा। ये बात है क्योंकि भगवान देखते हैं कि कितना लौल्यम है इसमें। भगवान आपकी कृपा चाहिए, कब वो ऐसा दिन आएगा जब मैं आपका शुद्ध नाम हरे कृष्ण महामंत्र को एकदम शुद्धता से बोल पाऊंगा, कब भगवान मेरे हृदय से ये सब काम क्रोध लोभ चले जाएंगे, मैं आपके भक्तों की शुद्ध हृदय से कब सेवा करूंगा। ऐसी ऐसी जब अभिलाषा व्यक्त करते हैं तो फिर भगवान बोलेंगे ना कि इसमें लौल्य है मुझे प्राप्त करने का, नहीं तो बस ये अपने अपने यंत्रवत कर रहे हैं चीजें, कुछ कुछ भगवान के प्रति अभिलाषा नहीं है। तो फिर भगवान भी सोचेंगे ये सही में चाहता है कि नहीं भक्ति में, ऐसी बात है। तो इसलिए व्यक्त करना चाहिए इसको, और इसके लिए भागवतम की प्रार्थना पढ़नी चाहिए, गीता से, भागवत से, चैतन्य चरितामृत से, अन्य अन्य ग्रंथों से ऐसी प्रार्थनाएं याद करके उनको बोलना चाहिए। आप खुद की भी प्रार्थना बोल सकते हो, खास करके शास्त्रों की प्रार्थना बोलने वाला अगला अंग है, लेकिन मुद्दा यह है कि शास्त्र में भी ऐसी प्रार्थनाएं हैं तो आप उसको बोल सकते हो याद करके, तो इसको बहुत अच्छे से प्रयास कर सकते हैं बोलने का। भगवान को प्राप्त करना है तो ऐसा लौल्य चाहिए, लौल्यम समझते हो आप, ऐसा लोभ चाहिए जिससे हम प्राप्त करेंगे। आगे स्तव पाठ, स्तव पाठ यानी खास करके शास्त्रों में जो प्रार्थना दी है उन प्रार्थनाओं को याद करके भगवान के सामने इनका पाठ करना, इसको स्तव पाठ कहते हैं। तो जैसे बड़े सुंदर सुंदर स्तव है शास्त्र में, है कि नहीं? श्री कृष्ण भगवान के स्तव है, गोपाल स्तव है, राधा रानी के स्तव है, श्री राधिका स्तव राज बड़ा प्रसिद्ध है गौतमीय तंत्र का। तो ऐसे स्तवों को याद करना चाहिए और भगवान के सामने उनको बोलना चाहिए जिससे भगवान की कृपा को हम प्राप्त कर सकते हैं। जो भी ऐसे स्तव सीख के भगवान के सामने बोलता है, या देख के भी बोल सकते हो आप, ऐसे नहीं मैं बोल रहा हूँ कि याद करके ही बोलना है, नहीं, आप देख के भी बोल सकते हो ऐसे स्तव जो है वो, उनको आप पढ़िए
और भगवान के सामने उनको व्यक्त कीजिए। आगे नैवेद्य आस्वादन, भगवान का जो प्रसाद है उसको आस्वादन करना चाहिए। एक्चुअली यहाँ पे नैवेद्य लिखा है, नैवेद्य तो भगवान के लिए होता है, प्रसाद आस्वादन होना चाहिए। प्रसाद हम जो है स्वीकार करते हैं, भोग या नैवेद्य भगवान के लिए होता है, लेकिन वो जब प्रसाद के रूप में आता है तो उसको हम लोग आस्वादन करते हैं। महाप्रसाद को कभी नकारना नहीं चाहिए, उसको ग्रहण करना चाहिए। कम थोड़ी मात्रा में भी चलेगा, लेकिन उसको ले लेना चाहिए कुछ तो। ऐसे एकदम आपने प्रसाद भोजन किया है और कोई महाप्रसाद लेके आया इतना सारा, आप थोड़ा सा ले लीजिए, एक कण ले लीजिए, लेकिन महाप्रसाद को नकारना नहीं चाहिए। प्राप्ति मात्रे न भोक्तव्यम कहा है महाप्रसाद के बारे में, उसको जैसे ही मिलते हैं तुरंत स्वीकार कर लेना चाहिए, ये बात है। चरणामृत पान, ये भी आप जानते हो, चरणामृत की प्राप्ति होती है तो उसको स्वीकार करना चाहिए, बड़ा जरूरी है चरणामृत का पान करना। खास करके सुबह भगवान को नहलाने के बाद में जो वो जल होता है उसको चरणामृत कहते हैं। तो कभी कभी उसको, आपको पता होगा जो डीटी वर्शिप करते हैं अर्च विग्रह की, उसको मधुपर्क में मिला के चरणामृत दे देते हैं, या कभी उसमें दही के साथ मिला के उसको चरणामृत के रूप में दिया जाता है। तो ये चरणामृत को बहुत प्रेम से ग्रहण करना चाहिए, ये हमारे जीवन का बहुत बहुमूल्य खजाना है कि चरणामृत को पान करना। तो ऐसे अंगों को कभी चूकना नहीं चाहिए, जैसे चरणामृत आपने सुबह ले नहीं पाए तो प्रयास कीजिए दोपहर में ले लीजिए उसको, या शाम में ले लीजिए, लेकिन दिन में चरणामृत को ग्रहण करना ही चाहिए, उस दिन के चरणामृत को। इस प्रकार से कभी कभार भक्त लोग चरणामृत, कोई सुबह सेवा के कारण लोग ले नहीं पाते तो उनके लिए भक्त लोग चरणामृत रख देते हैं अलग से, ताकि बाद में वो ले सकता है, क्योंकि चरणामृत को पान करना बड़ा जरूरी अंग है भक्ति का, लेना चाहिए उसमें एकदम ऐसे। तो ये बात है। और चरणामृत को वो पान करते हुए मंत्र भी है अलग अलग प्रकार के, उन मंत्रों को भी आप सीख सकते हो। आप शास्त्रों में दिए है वो मंत्र जो है, वो उन मंत्रों को भी आप सीख सकते हो चरणामृत के अंतर। खास करके पंचरात्र प्रदीप नाम का ग्रंथ है, उसमें दिए है सारे मंत्र अलग अलग प्रकार के। तो इस पंचरात्र प्रदीप ग्रंथ में चरणामृत के बारे में आदि भी बहुत सुंदर सुंदर मंत्र है। विष्णु हो पादोदकम पीत्वा शिरसा धारयामि अहम्, अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम, सुने होंगे ये मंत्र आपने। विष्णु हो पादोदकम पीत्वा शिरसा धारयामि अहम्, ये मंत्रों को बोलते हुए चरणामृत पान करना चाहिए, तो वो विधि है सही में। अर्पित धूप और पुष्पों की सौरभ का आघ्रान, आगे वाला। तो भगवान के लिए जो धूप अर्पण हुआ है या पुष्प अर्पण हुए हैं उनको हमने सूंघना चाहिए, उनको घ्राण करना चाहिए, ये बहुत अच्छा भक्ति का अंग है। भगवान के चरणों में जो फूल दिया है रखा है उसको लेके सूंघना चाहिए उसको, या भगवान के अर्पित धूप को सूंघना चाहिए, इससे हमारा भवरोग दूर हो जाता है शास्त्र कहता है। लेकिन इसके लिए प्रसिद्ध उदाहरण है शास्त्र में, जब चार कुमार जो है भगवान के चरण कमलों के स्पर्श करते हुए जो वायु उनके नासिका में प्रविष्ट हो गई, तो चार कुमार भी हम लोग जानते हैं कि मोक्ष की इच्छा को त्याग के भगवान के शुद्ध भक्त बन गए। तो इस प्रकार से इसलिए इन सब चीजों का बहुत महत्व है। श्री मूर्ति का स्पर्श, आगे भगवान के अर्च विग्रह को स्पर्श करने का जिसको सौभाग्य प्राप्त है उसने निश्चित रूप से भगवान के चरण कमलों को स्पर्श करना चाहिए, या फिर जो श्रृंगार आदि करते हैं तो वो भगवान के हस्त कमल को, भगवान के शरीर को भी स्पर्श कर पाते हैं। तो ये बहुत भक्ति का अच्छा अंग है। अर्थात इसमें जरूरी है कि आप ब्राह्मण दीक्षित भक्त हो तो उसके अनुसार फिर खास करके मैं मंदिर के अर्च विग्रह की बात कर रहा हूँ। मंदिर के अर्च विग्रह में तो आप ब्राह्मण दीक्षित हो तभी भगवान को स्पर्श कर सकते हो। ये बात ऐसे नहीं हो रही, सबके लिए नहीं बोला जा रहा है, ये बोला जा रहा है जो विधिवत ब्राह्मण दीक्षित है, जिनको भगवान को स्पर्श करने का सौभाग्य प्राप्त है, उन्होंने निश्चित रूप से करना चाहिए। ऐसे जैसे प्रभुपाद जी यहाँ पे उदाहरण दे रहे, गांधी जी, महात्मा गांधी जी भारत के चाहते थे कि सब हरिजनों को भी
भगवान की अर्चम मूर्ति को स्पर्श करने का अधिकार मिले, ऐसे गांधी जी मंदिर में प्रवेश मिले, यहाँ तक कि गर्भगृह में भी प्रवेश मिले, इसके लिए गांधी जी लड़ रहे थे। तो प्रभुपाद जी कहते हैं ये बेकार है, ऐसे थोड़ी ना होता है। मंदिर में प्रवेश दे दीजिए सबको, दर्शन करने को सबको अधिकार है, लेकिन भगवान को स्पर्श करने का अधिकार केवल पंचरात्रि की दीक्षा जिसकी हुई है। तो दीक्षा शुद्धिकरण होने के बाद दीक्षा विधि से फिर आप भगवान को स्पर्श करो, फिर बहुत अच्छा है, उसमें परेशानी नहीं। और उसमें हरिजन को भी दीक्षा का अधिकार है, लेकिन केवल गांधी जी हरिजन कहते हुए सबको बोल रहे इनको मंदिर में गर्भगृह में भी लेके जाइए, तो वो तो गलत है ना, वो शास्त्र के हिसाब से नहीं है, ये बात है। तो इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि शुद्धि भी करनी चाहिए। भगवान को स्पर्श कराने का इतना आग्रह हो रहा है, लेकिन क्या वो शुद्ध है व्यक्ति? वो शुद्धि भी तो देखनी चाहिए ना। भारत के ब्राह्मण का प्रॉब्लम ये था कि वो तो हरिजन को शुद्ध ही नहीं मानते थे, क्योंकि उनका जन्म जो हुआ है वो शूद्र परिवार में हुआ, तो वो गलत हो गया। लेकिन जो गांधी करना चाहते थे वो भी गलत हो गया। सही ये है कि हरिजन भी क्यों ना हो, भगवान को छूने का अधिकारी है, अगर उसकी दीक्षा हुई है पंचरात्रि की दीक्षा। आप पंचरात्रि की दीक्षा कराइए, फिर हर कोई भगवान की सेवा में आ सकता है, उसमें क्या परेशानी, ये बात कही जा रही है यहाँ पे। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं श्री मूर्ति का स्पर्श, अर्थात मूर्ति के स्पर्श में अर्च विग्रह में हमेशा चरण कमलों को पहले स्पर्श करना चाहिए, ऐसे नहीं सीधे भगवान के अंग को स्पर्श कर लिया या भगवान के मुख को स्पर्श कर लिया, नहीं। पहले सेवा करने के प्रारंभ में हमेशा चरण कमलों को स्पर्श करके फिर भगवान के श्री अंगों को स्पर्श करना चाहिए जिनकी सेवा है उनको। इस प्रकार से आरती दर्शन, तो आरती दर्शन तो सबके लिए है कि नहीं? अंगों की सेवा इसके पहले जो हुआ वो तो पंचरात्रि की दीक्षा वाले ब्राह्मण दीक्षित भक्तों को है, लेकिन दर्शन तो हर कोई कर सकता है, तो इसलिए दर्शन करने को कोई रोक नहीं है, कोई भी आ सकता। उत्सवों का आयोजन, अलग अलग प्रकार के उत्सव है उसको मनाना चाहिए, भगवान की झूलन यात्रा, रामनवमी, जन्माष्टमी, राधाष्टमी, बलराम पूर्णिमा, सब ऐसे उत्सवों का आयोजन करना चाहिए। और इसलिए हमारे वैष्णव परिवार में भी आप जानते हो कितने सारे उत्सव होते हैं, है कि नहीं? इन उत्सवों को उत्साह से करना चाहिए, ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि ये क्या इतने उत्सव, हर दिन उत्सव हो रहा है, बहुत हो गया फेस्टिवल, अभी थोड़ा शांति दे दो कुछ ऐसे नहीं सोचना चाहिए। भगवान के लिए जितने उत्सव मनाए उतने कम है। दक्षिण भारत में श्रीरंगम मंदिर में वो लोग 365 दिनों में 280 दिन उत्सव मनाते हैं, 365 दिनों में 280 डेज, अलग अलग प्रकार के छोटे बड़े, लेकिन उस इतने उत्सव मनाते। हम लोग भी इस्कॉन में बड़े धूमधाम से उत्सव मनाते हैं, आप जानते हो कितने सारे उत्सव मनाते हैं। तो उत्सव मनाने में पीछे नहीं हटना चाहिए, भगवान को बड़ा उत्सव अच्छा लगता है एक्चुअली, भगवान बड़े प्रसन्न हो जाते हैं जब उत्सव बनाते हैं। तो भगवान का अभिषेक होता है, भगवान को नए वस्त्र प्रदान होते हैं, यू नो बहुत भगवान खुश हो जाते हैं। स्नानालंकरणम तु प्रेष्ठम अर्चाया मुद्धव कहा है, अर्च विग्रह की सेवा में खास करके भगवान को स्नान कराना और सुंदर वस्त्रों में अलंकारों से सुशोभित करना, ये प्रेष्ठ है, ये भगवान को बहुत प्रिय है, बहुत प्रिय है भगवान को ये। तो इसलिए अर्च विग्रह की सेवा में फेस्टिवल के दिन नए वस्त्र अर्पण करते हैं, ये बहुत भगवान को अच्छा लगता है ये सेवा एकदम, उत्सवों का आयोजन। तो इस प्रकार से ये जो है इस अध्याय के अंतर्गत चर्चा पूरी हुई, ये अलग अलग। अभी इसके बाद में अध्याय 10 में चार प्रमुख अंगों की चर्चा होगी श्रवण से लेके, लेकिन उसके पहले मैं जस्ट 5-10 मिनट कुछ प्रश्न है तो पूछना चाहूंगा। ब्रजराज नंदन प्रभु आपका प्रश्न है। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। प्रभु आपने बताया था ये तीन प्रकार से भगवान से हम निवेदन कर सकते हैं, तो दैन्य बोधिका में आपने एक पद पुराण में लिखा हुआ है, इसमें एक ट्रांसलेशन है सिर्फ हिंदी में, प्रभु इसको हम संस्कृत में किस तरह से प्राप्त कर सकते हैं? ये मूल भक्ति रसामृत सिंधु में है संस्कृत में, आपके पास भक्ति रसामृत सिंधु का भानु महाराज जी का, His Holiness भानु स्वामी महाराज जी का अनुवाद है? नहीं। अच्छा, तो इसको किसी भक्त से प्राप्त कीजिए, भानु महाराज जी ने अनुवाद किया है, उसमें सारे श्लोक है और अनुवाद है, तो वो ग्रंथ
आप में से किसी के पास होना चाहिए, क्योंकि उस ग्रंथ में आपको बाकी भी रेफरेंसेस मिलेंगे। हम लोग तो एनओडी को बहुत फास्ट पढ़ रहे हैं, थोड़ा 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 चर्चा कर रहे हैं। जो इस विषय को विस्तृत जानकारी चाहता है उसने मूल भक्तिरसामृत सिंधु को भी पढ़ लेना चाहिए, जिसको अंग्रेजी में अनुवाद किया है श्रील भानु स्वामी महाराज ने। तो इसलिए आप उसको प्राप्त कीजिए, उसमें सारे श्लोक मिल जाएंगे। या फिर कुछ श्लोकों की अन्य फाइल हो, लेकिन मुझे ऐसी हिंदी वाली फाइल मिली नहीं, एटलीस्ट पर्सनली मुझे मिली नहीं। अंग्रेजी वाली फाइल है मेरे पास श्लोकों की। आप शेयर कर दीजिए फिर, मेरे पास भी, क्योंकि हिंदी वाली तो नहीं है, उसमें से ढूंढना पड़ेगा। यस, आपको ढूंढना चाहिए। उसमें ढूंढने के लिए आपको थोड़ा उसका लहरी समझ जाना चाहिए, कौन सी लहरी में क्या बोला है। तो हम जब जो भी हम सब पढ़ रहे हैं ना, वो द्वितीय लहरी में है, साधन भक्ति लहरी में, पूर्व विभाग के। और प्रभुपाद जी जहाँ रेफरेंस दिए है भागवत आदि से, तो वो तो मिल ही जाएगा आपको, लेकिन खास करके भक्तिरसामृत सिंधु के रेफरेंस में उसका विभाग समझ लीजिए, प्रथमा लहरी, द्वितीय लहरी, तृतीय लहरी, फिर आपको समझ जाएगा। आपको कुछ आपत्ति है तो मुझे पूछिए, मैं बता दूंगा कहां पे क्या शुरू। ओके प्रभु, जस्ट एक मिनट। एक्चुअली ये ग्रंथ तो इतना अच्छा है कि हमने एनओडी पढ़ने के बाद ब्रह्मचारियों ने सब मिलके भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ लिया था पूरा। इतना हम लोग इससे प्रेरित हो गए कि पूर्व विभाग जो है भक्ति रसामृत सिंधु का, आगे के विभाग तो बाद में पढ़े हमने, लेकिन पूर्व विभाग तो तभी पढ़ लिया था एनओडी के बाद में, इतना प्रेरित हो गए भक्ति रसामृत सिंधु, श्लोक बाय श्लोक पढ़ लिया पूरा एकदम। और उसमें और विस्तृत जानकारी दी है प्रभुपाद जी ने, तो समरी स्टडी करते हुए जितना संभव है दे दिया प्रभुपाद जी ने। इतने छोटी सी बुक में भी प्रभुपाद ने बहुत दे दिया, लेकिन मूल तो और भी विस्तृत है इसका, बहुत अच्छे से जानकारी दी। ठीक है, तो अभी के लिए आप तो एनओडी तो पढ़ लीजिए कंप्लीट। जिसको उत्साह है वो आगे भी भक्ति सान सिंधु भी पढ़ लीजिए। रमापति रमेश प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद प्रभु जी। मेरा आज की सेशन का दो क्वेश्चन है, और कल की आप कृपा देगा तो, यानी कि परमिशन देगा तो कल की एक क्वेश्चन है वो पूछ लेगा प्रभु। छोटा सा प्रश्न है प्रभु। प्रभु जी, खैर आप इस क्लास में बोल रहा था प्रदक्षिणा का चार प्रकार, चार बार कर सकता है तो, लेकिन कई लोग को हम लोग देखता है, इवन वृंदावन में भी परिक्रमा होता है, यानी कि कभी अष्टांग परिक्रमा करते हुए वो कर लेते हैं कई लोग, यानी कि लोकल टेम्पल में होता है जब पानी कई लोग डालता है, कई लोग ऐसा सो के प्रदक्षिणा कर लेता है, यानी कि रोलिंग करते हुए। हाँ, ये कैसा दंडवती परिक्रमा बोलते हैं। हाँ, दंडवती, लेकिन वो कैसा, कितना तक संभव है प्रभु, यानी कि 108 कर लेता है कई लोग, 108 ऐसा। यस, तो ये तो बहुत हरेक के उत्साह के ऊपर है। हम लोग खास करके आचार्य हमारे वगैरह इतना दंडवती परिक्रमा वगैरह के बारे में बोले नहीं है। इधर वृंदावन में बहुत सारे लोग करते हैं, गोवर्धन में आपको दिखेगा दंडवती परिक्रमा वगैरह, वर्णन है थोड़ा शास्त्र में हमारे भी, लेकिन बहुत कुछ ऐसा रिकमेंडेड करके ऐसा बोला नहीं है वो एकदम। तो हम लोग स्वाभाविक परिक्रमा कर लेते हैं, चल के कर लेते हैं, और राधा कुंड आदि में कभी कभार कोई महान वैष्णव हमारे भी संप्रदाय के, वो कुछ दंडवती परिक्रमा कर देते हैं, क्योंकि राधा कुंड में छोटा है वो एरिया। गिरिराज को तो दंडवती परिक्रमा करने में सालों लग जाते हैं, तो इतना किसके पास समय है ये। लेकिन हम लोग उनका सम्मान करते हैं जो ऐसी दंडवती परिक्रमा करते हैं, बड़ी विशेष चीज। एक एक तो है, एक जगह पे 108 दंडवत करते हुए, फिर अगली जगह फिर 108 दंडवत, ऐसे पूरे गिरिराज की परिक्रमा कर, तो वो तो बहुत कई कई साल लग जाते हैं उसमें। तो हम प्रभुपाद जी को पालन करते हैं, प्रभुपाद जी ने हमें परिक्रमा सिखाया चल के करने का गिरिराज जी को, जिसको 5 घंटा 4 घंटा 4-5 घंटा लग जाते हैं उसमें कर सकते हैं हम लोग, बस यही बात है।
अच्छा, और एक है प्रभु, ये कहीं आपने बोल रहा था मेटीरियली कोई अच्छा सिंगर है, एक्चुअली उनकी कमर्शियली वो सिंग करता है, भगवान का कोई प्रेम नहीं है, ऐसे नहीं है, लेकिन कई प्रकार की यानी कि गायक था, वो भगवान के नाम ले रहा था, उनके अंदर भाव नहीं है, भक्ति नहीं है, लेकिन उनकी क्या मृत्यु का समय में उनकी क्या होगा? और कुछ न कुछ उन लोगों को प्रभु जी कुछ वो जो गा रहे उसकी वजह से अज्ञात सुकृति प्राप्त होगी, उनको अज्ञात सुकृति प्राप्त होगी, और ऐसी अज्ञात सुकृति बढ़ते 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 एक दिन वो साधन भक्ति के लिए गंभीर बनेंगे। याद है आपको, हमने इसकी चर्चा की है, तो अज्ञात सुकृति प्राप्त हो रही है उनको, ये हो रहा है। वो लास्ट कल का जो रिलेटेड था, जैसे चार सांप्रदाय भगवान ने दिया है, लेकिन भगवान ने खुद ही कहा ये कलयुग का धर्म है भगवान का उनकी नाम लेना, लेकिन अभी कल का आपने चर्चा किया था श्री सांप्रदाय का, उन्होंने अच्छा विग्रह का सेवा करने में बहुत ये हो जाता है, तो उन लोग कैसा भगवान को प्राप्ति कर सकते हैं, और भगवान ने खुद ऐसा क्यों कहा चार संप्रदाय? यस, चारों संप्रदाय में भी भगवान की प्राप्ति का कलयुग में बड़ा शक्तिशाली अंग नाम कीर्तन है, ये स्वीकार करते हैं वो, इसमें कुछ कोई उसमें मतभेद नहीं है। लेकिन देखिए वो कैसे करते हैं स्वीकार, ओम नमो नारायणाय, ये बड़ा प्रसिद्ध मंत्र है श्री संप्रदाय में भी, वो लोग भी जप करते हैं उसका। कुमार संप्रदाय जो है निम्बार्क वाले, उनका मंत्र है इस, इन सब मंत्रों को ब्रह्म तारक नाम बोलते हैं, ब्रह्म तारक नाम। तो जैसे हमारे संप्रदाय का ब्रह्म तारक नाम हरे कृष्ण महामंत्र है, कुमार संप्रदाय का ब्रह्म तारक नाम है राधे श्याम राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे राधे, ये। और उसी प्रकार से रुद्र संप्रदाय का ब्रह्म तारक नाम है श्री कृष्ण शरणम मम श्री कृष्ण शरणम मम, ऐसे। तो सारे चारों जो है नाम ही सिद्धि के लिए कलयुग में जरूरी है वो मानते हैं, लेकिन साथ ही साथ उसके भक्ति के नवविधा अंगों में कौन सा अंग जो है और भी प्रकृष्टता से किया जाता है, वो है उनका श्री संप्रदाय वालों का अर्च विग्रह की सेवा। लेकिन अर्च विग्रह की सेवा करते हुए भगवान के नामों का गुणगान करना चाहिए, दिन हर दिन ओम नमो नारायणाय का कुछ मात्रा में जप करना चाहिए, ये तो श्री संप्रदाय वाले भी स्वीकार करते, इसमें कुछ परेशानी नहीं, ये तो एकदम निश्चित रूप से स्वीकार करते। लेकिन चूंकि उनके आचार्य ने श्री संप्रदाय में मतलब अर्च विग्रह की सेवा पे भी जोर दिया है, इसलिए ये दोनों चीजें हैं। तो श्री संप्रदाय की बात करोगे तो अर्च विग्रह की सेवा और भगवान का नाम ओम नमो नारायण का जप, इन दोनों पे स्ट्रेस है उनका, ऐसे नहीं कि नाम को इतना स्ट्रेस नहीं करते वगैरह, ये भी जरूरी है। ओम नमो नारायण की दीक्षा होती है प्रॉपर उनके इसमें, तो ऐसी बात। लेकिन मैंने सुना प्रभु का लाल गोविंद प्रभु का लेक्चर में, उन्होंने अमेरिका में कुछ श्री स्वामी नारायण का टेम्पल में गया था, उन्होंने बोलता है ये आप इस्कॉन से आप आया करके उनको पता है, लेकिन वो उन खुद उनको बोला है लाल गोविंद प्रभु को, ये आप लोग जो कर रहे हैं ऐसे ही टाइम वेस्ट कर रहे हैं, ये सब छोड़ो आप भगवान का शरणागति हो जाओ। ओके, तो एनीवे ये विषय तो बड़ा है। एक तो आपने स्वामी नारायण कहा, तो स्वामी नारायण तो श्री संप्रदाय वाले नहीं है, वो अलग है, वो एक दूसरे व्यक्ति थे स्वामी नारायण करके, उन्होंने शुरू किया उसको। और दूसरा, वो जो चीज हमें बोल रहे हैं उसका क्या शास्त्र का प्रमाण है, उनका क्या अर्थ है, उनकी क्या परिभाषा है शरणागति की, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना ये शरणागति नहीं है? तो इसलिए ये विषय विस्तृत है। वो अगर ऐसा कोई कह रहा है तो सिर्फ कुछ द्वेष वश कह रहा है कि कुछ शास्त्र भी जानता है। इनफैक्ट आई मीन ठीक है, स्वामी नारायण के ही लोग प्रभुपाद जी के ग्रंथ पढ़ते हैं कितने सारे, मुझे पता है, मेरे कई मित्र है जो कि उस संप्रदाय से है, और बोलते कि प्रभुपाद जी जैसे भागवत का किसी ने विवरण नहीं किया, हमारे स्वामी जी भी प्रभुपाद जी के ग्रंथ पढ़ के बोलते हैं। तो अगर ऐसा कोई कह रहा है तो आई रियली मुझे आश्चर्य लग रहा है कि ऐसा कोई कौन कह रहा है, क्योंकि स्वामी नारायण जी भी एक प्रकार एक हद तक वैष्णव तत्वों को मानते हैं, तो उन्होंने तो एक्चुअली इस्कॉन को अप्रिशिएट करना चाहिए, क्योंकि हम लोग वैष्णव धर्म का इतना प्रचार प्रसार करते हैं, जैसे मुंबई में पुणे में स्वामीनारायण के कई वैष्णव लोग बहुत मानते हैं प्रभुपाद जी को, ऐसे। तो ये इस कॉन्टेक्स्ट में हो सकता है कुछ अन्य कारण हो, द्वेष वश वगैरह ऐसे को बेसिकली। लेकिन जो भी कोई बोल रहा है उसको शास्त्र प्रमाण पूछना चाहिए, ऐसे ही बोलना नहीं चाहिए।
शरणागति कर लीजिए, आप लोग टाइम वेस्ट कर रहे हैं, नाम संकीर्तन टाइम वेस्ट है, इसका क्या शास्त्र प्रमाण है? तो इन लोगों को, इसलिए आप शास्त्र अच्छे से सीखिए, ऐसे आपको आपको भी मिलेंगे बहुत सारे, और उनको तुरंत शास्त्र का कोड देके बोलना चाहिए, देखो आप चुप हो जाएंगे, कुछ नहीं बोलेंगे। ठीक है दीपक प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ बोलिए बोलिए प्रभु जी। मेरा प्रश्न था कि जैसे हमने हमारे घर में छोटा सा अल्टर बना के रखा है और मेनली जो अष्ट विग्रह रखे हैं और मेनली फोटो फ्रेम है, तो जब हमें उनकी सेवा करनी रहती है या मतलब क्लीनिंग सफाई आदि करनी रहती है, तो किस बात का विशेष रूप में ध्यान रखना चाहिए, मतलब क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, डूज एंड डोंट्स? ये तो बहुत बड़ा विषय है, इसको आप पंचरात्र प्रदीप नाम के ग्रंथ में पढ़िए। पंचरात्र प्रदीप में बताया गया है कि घर पे अर्च विग्रह की सेवा कैसे करनी चाहिए, तो मैं यहाँ पे नहीं बता पाऊंगा क्योंकि ये बहुत बड़ा विषय है ये हमारे, इससे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। जस्ट आपके वरिष्ठों को पूछिए, पंचरात्र प्रदीप से मुझे वो जानकारी मिल सकती है क्या, तो वो बता देंगे आपको। ठीक है हरि बोल। ओके तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, अभी हम लोग अध्याय 10 की चर्चा करेंगे, श्रवण स्मरण। तो अध्याय 10 का विशेषता क्या है देखिए, अध्याय 10 में चार भक्ति के अंगों की बात हो रही है प्रमुखता से। हम लोग अब तक भक्ति के 19 अंगों की चर्चा हो गई पिछले दो अध्याय में, फिर पिछले अध्याय में 19 से आगे बढ़ते हुए हम लोग कुछ और अंगों की चर्चा की, अभी वहां से भी आगे बढ़ते हुए चार भक्ति के प्रमुख अंग, प्रमुख यानी काफी विशेष अंगों की चर्चा हो रही है, श्रवण, तत्कृपेक्षणम और फिर स्मृति और ध्यान। तो इसकी चर्चा करते हैं अभी। ठीक है तो देखिए ये अध्याय संख्या 10 है, इसमें देखिए श्रवण पहले जो है, श्रवण स्मरण की कला प्रभुपाद जी कहते हैं। तो श्रवण जो है उसके अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि श्रवण में अलग अलग प्रकार का श्रवण है। श्रवण एक्चुअली सारे भक्ति के अंगों में सबसे प्रमुख और सबसे मूलभूत अंग माना गया है। जैसे प्रहलाद महाराज बताते हैं सप्तम अध्याय में, आपको पता होगा, जिसमें भक्ति के 9 अंगों की चर्चा करते हैं, तो सबसे पहले श्रवण बोल दिया है कि नहीं? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्म निवेदनम इति पुंसार्पिता विष्णु भक्तिश्चेन्नवलक्षणा क्रियेत भगवत्यद्धा तन्मन्येऽधिकम उत्तमम्, ऐसे कहते हैं। तो शुरुआत हो रही है श्रवण से, सबसे महत्वपूर्ण मूलभूत अंग श्रवण है। तो इस श्रवण को कितने प्रकार से विभाजित किया है इसको देखिए। श्रवणम जो है वो 3 प्रकार का होता है, नाम श्रवण, चरित श्रवण, गुणादि श्रवण। ओके, नाम श्रवण, चरित्र श्रवण, गुणादि श्रवण। तो नाम श्रवण होता है भगवान के नामों का श्रवण करना, मतलब भगवान के नाम जब बोले जा रहे हैं, गाए जा रहे हैं, तो उन नामों का, मंत्रों का स्मरण श्रवण करना, ये हो गया नाम श्रवण, भगवान के नामों का श्रवण। जैसे हरे कृष्ण महामंत्र जब सुनते हैं हम लोग, श्रवण करते हैं कीर्तन, तो वो श्रवण हो गया हरे कृष्ण महामंत्र का। तो हरेक नाम श्रवण, चरित्र श्रवण और गुणादि श्रवण के लिए 3 प्रकार के रेफरेंसेस दिए गए हैं। तो पहला नाम श्रवण है, भगवान के नामों का सुनना, और उसके लिए रेफरेंस दिया है पहला, देखिए दूसरे परिच्छेद में, गरुड़ पुराण श्रवण की महिमा का अतिशय सुंदर दिग्दर्शन करता है। प्राकृत जगत में बद्ध जीव की अवस्था सर्प से कटे अचेतन मनुष्य जैसी है, क्योंकि इन दोनों को ही मंत्र ध्वनि से फिर चेतन किया जा सकता है। तो जैसे आपको पता होगा वैदिक सभ्यता में जब कोई सांप काटता है तो उसको मंत्रों के द्वारा उपाय करते हैं, ये सुना होगा आपने, है कि नहीं? मंत्रों के द्वारा सांप कट, किसी ने सांप, किसी को सांप ने काटा है तो ठीक कर सकते हैं उसको। तो उसी प्रकार से हमें जो भौतिक भोग रूपी या भवरोग रूपी सर्प ने काट दिया है, और इस सर्प से कटे हुए व्यक्ति को अगर ठीक होना है तो मंत्र की जरूरत है। कौन सा मंत्र? हरे कृष्ण महामंत्र या भगवान के नाम का मंत्र। तो जब इसको सुनते हैं तो हम लोग जो ये सर्प रूपी विष है हमारे अंदर, वो चला जाएगा, सब विषय का विष, विषयों का विष एक्चुअली चला जाएगा।
तो इसलिए हरे कृष्ण महामंत्र के श्रवण करना चाहिए, नाम श्रवण कहा गया है इसको। फिर दूसरा जो है चरित श्रवण है या चरित्र श्रवण है, इसका जो है तीसरे पैराग्राफ में देखिए इसका प्रमाण दिया है, भगवत चरित श्रवण, भगवान का चरित्र श्रवण करना चाहिए। इतनी सारी सुंदर सुंदर लीलाएं हैं भगवान की, है कि नहीं? तो ऐसी लीलाओं को जब हम सुनते हैं तो उन लीलाओं से कई सारी शिक्षाएं प्राप्त होती है, कई सारे उससे हमें भगवान के गुणों के प्रति ज्ञान प्राप्त होता है, भगवान के प्रति हमारी भक्ति और भी वृद्धिंगत हो जाती है। तो इसलिए ऐसे चरित्र श्रवण करने चाहिए भगवान के, उसमें खास करके भक्तों के चरित्र का श्रवण भगवान के श्रवण के अंतर्भूत होता है। उससे तो हम लोग बहुत सीखते हैं कि कैसे भक्ति करनी चाहिए, कैसे, जैसे सप्तम स्कंद में मानिया नरसिंह भगवान के चरित्र का वर्णन है, तो स्वाभाविक रूप से उसमें प्रह्लाद का चरित्र सुनते हैं, तो कैसे भक्ति करनी चाहिए ये हम लोग प्रह्लाद महाराज से सीखते हैं। तो इसलिए ये हो गया चरित्र श्रवण, भगवत चरित्र श्रवण। और तीसरा है गुणादि श्रवण, गुणादि श्रवण यानी खास करके भगवान के गुणों का श्रवण करना, ये बात बताई जा रही है। तो इसमें आप देखिए दो पैराग्राफ छोड़ने के पश्चात अंतिम श्रीमद् भागवत का रेफरेंस दिया है, उत्तम श्लोक भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध भक्ति के अभिलाषी को नित्य निरंतर उनके दिव्य गुणों और चरित्र का श्रवण करना चाहिए। तो गुण भगवान के गुण है अलग अलग, भगवान की भक्तवत्सलता, रूप माधुरी, भगवान की वेणु माधुरी, भगवान की भक्त माधुरी, लीला माधुरी, भगवान के जो गुण है इन गुणों का श्रवण भी करना, इसको कहते हैं गुणादि श्रवण। अर्थात लीला श्रवण या फिर चरित्र श्रवण और गुणादि श्रवण, ये दोनों ऐसे एकदम अलग अलग नहीं है। जब हम लोग भगवान का चरित्र श्रवण कर रहे हैं तो उनके गुण की भी चर्चा होगी, है कि नहीं? और जब गुण की चर्चा होगी तो शायद कोई लीला के बारे में भी चर्चा होगी, तो एकदम दोनों एक साथ भी हो सकते हैं कभी कभी, नो प्रॉब्लम। तो तीन कैटेगरी, नाम श्रवण, चरित्र श्रवण और तीसरा है भगवान के गुण श्रवण और गुणादि श्रवण, यू नो, ये सब, ये तीन कैटेगरी श्रवण के अंतर्गत होनी चाहिए। तो इसको ध्यान रखना चाहिए, हम लोग भी हमारे श्रवण में इन तीनों चीजों को करना चाहिए हमने। तो ये जो है श्रवण की बात होगी। आगे भगवत कृपा की बांट देखना, ये जो है अगला तत्कृपेक्षणम, ये जो है इसका संस्कृत शब्द है तत्कृपेक्षणम। तत् यानी भगवान की कृपा, इक्षणम उसकी हम राह देखते हैं, प्रतीक्षा करते हैं, बांट देखते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है ऐसे। तो एक भक्त को चाहिए कि हमेशा वो जो है भगवान की कृपा का अपने जीवन में आशा रखता है, अभिलाषा रखता है, उसकी राह देखता है। भक्ति में ना समझना चाहिए कि हमारे प्रयासों के ऊपर भक्ति में प्रगति करना संभव नहीं है, केवल हमारे प्रयास के ऊपर। हमारे प्रयास तो जरूरी है, लेकिन इन सारे प्रयासों से अंत में हम लोग कृष्ण की कृपा के अभिलाषी है, कृष्ण कृपा करेंगे तब फिर हम भक्ति में प्रगति कर पाएंगे। तो ऐसी कृपा की हम लोग राह देखते हैं, अभिलाषा रखते हैं। इसके लिए बड़ा सुंदर श्लोक प्रभुपाद जी ने कोट किया है, इसी प्रश्न के ऊपर आपके खुली किताब का दूसरा प्रश्न भी आएगा, तो इसको गंभीरता से सुनिए एकदम, क्योंकि ये जो तत्कृपेक्षणम है इसके ऊपर ओपन बुक का दूसरा क्वेश्चन है एक्चुअली। तो तत्कृपेक्षणम में प्रभुपाद जी ने सुंदर श्लोक कोट किया है 10, 14, 8, इसको जाके आप अच्छे से पढ़िए भागवतम में, इसके तात्पर्य को भी पढ़िए। तत्तेऽनुकम्पां सुषमेक्षमानो भुञ्जान एवात्मकृतं विपाकम् ऋद्वाग् वपुर्भिर्विदधन् नमस्ते जीवेत यो मुक्तिपदे सदाय भाक्। ये श्लोक है, ठीक है। तो ये श्लोक में क्या बताया है, जो भगवान की भक्ति में कैसे भगवान की कृपा की राह देखता है कोई। हम लोग जानते हैं भगवान के कृपा के सिवा भक्ति मार्ग में प्रगति करना असंभव है। तो ये श्लोक कहता है तत्तेऽनुकम्पां सुषमेक्षमानो, ये जो श्लोक है वो बताता है कि कैसे कोई भगवान की अनुकंपा जो है उस अनुकंपा की प्रतीक्षा करता है अपने जीवन में। तत्तेऽनुकम्पां सुषमेक्षमानो भुञ्जान एव आत्मकृतं विपाकम्,
जो भी उसके जीवन में दुख आ रहे हैं, जो भी उसके जीवन में कठिनाइयां आ रही है, उसको वो जानता है आत्मकृतम, ये मैंने ही किया हुआ है, पिछले जन्म में मैंने जो पाप किए उन पापों के कारण ये मेरे जीवन में कठिनाइयां आ रही है। आप लोग को याद होगा क्लेशग्नि में हमने इसकी चर्चा की पूरी, है कि नहीं, विस्तार से, अप्रारब्ध प्रारब्ध बीजम कूटम सब कुछ हमने चर्चा की। तो मेरे पिछले जन्मों के कर्मों के कारण ही मेरे जीवन में ये दुख आ रहा है, इसमें भगवान का कोई दोष नहीं है, अन्यों का कोई दोष नहीं है, अन्य लोग तो बस इसमें एजेंट बन रहे हैं, केवल मध्यस्थ है, लेकिन जो भी मेरे जीवन में आ रहा है आत्मकृतम, ये मेरे ही पिछले भोगों के कारण आ रहा है। तो इसलिए ब्रह्मा जी कहते हैं ऐसा भक्त भगवान को रुद्वाग वपुर भीर विदधन नमस्ते, अपने हृदय से, वाक से, अपने काया से भगवान को नमस्कार करता है। हे भगवान, मैं आपको नमस्कार करता हूँ, बस मुझे शक्ति दीजिए कि आपकी सेवा में आगे बढ़ता रहूं। मेरे जीवन में कठिनाई आई है, मेरे जीवन में व्यथा है, इसमें मैं किसी को दोष देना नहीं चाहता, ये तो आपकी कृपा ही है मेरे ऊपर, क्योंकि मैं इससे मेरी जो भौतिक जीवन में भोगने की इच्छा है या खुद को नियंता समझने की इच्छा है वो दूर हो रही है। जब जीवन में दुख आता है तो समझते हैं ना हम लोग नियामक नहीं है इस जगत के, हम लोग नियामक रहते थे तो सब कुछ फिर मेरे नियंत्रण में अच्छा होना चाहिए, लेकिन जब दुख आते हैं तो समझते हैं मेरे नियंत्रण में नहीं है, भगवान के नियंत्रण में है चीजें। तो इससे शुद्धिकरण होता है जब हम समझते हैं कि मेरे अधीन नहीं है जगत, भगवान के अधीन है, और जो भी मेरे पिछले कर्मों का पाप है उसके अनुसार मुझे इस जगत में दुख जो है वो भोगने पड़ रहे हैं। तो इसीलिए ऐसी उस स्थिति में रिद्वाग वपुर भीर विदधन नमस्ते जीवे तयो मुक्ति पदे सदाय, ऐसे जो जीवन जीता है भगवान के चरण कमलों को दंडवत करते हुए, भगवान की कृपा को याद करता है, अभिलाषा करता है, वो मुक्ति पदे दाय भाग। दाय भाग कहते हैं जिसकी विरासत है, जिसको प्राप्त होगा, वो व्यक्ति मुक्ति पद की सही दावेदार है। यहाँ पे मुक्ति पद से सायुज्य मुक्ति का बोध नहीं हो रहा है, भगवान के धाम जाने की बात हो रही है। मुक्ति पद हमने तो देखा कि भगवान के भक्त कभी भी सायुज्य चाहते नहीं है, तो मुक्ति पदे ये जो है यहाँ पे वास्तविक अर्थ है भक्ति पदे। भक्ति का स्थान ऐसा विरासत में प्राप्त कर सकता है व्यक्ति जो भगवान के चरण कमलों में प्रणाम करता हुआ सारे जीवन के दुखों को भोगता है और जानता है कि ये आत्मकृतम है, तो भी भगवान की सेवा में उत्साह से आगे बढ़ता है, ऐसा व्यक्ति निश्चित रूप से भगवान के धाम को प्राप्त करेगा, ये ब्रह्मा जी कह रहे हैं, ये बात है इसमें। तो मुद्दा यही है कि भक्त जो होता है वो भगवान की कृपा की अभिलाषा रखता है हमेशा, जैसे चातक पक्षी होता है ना, आपने चातक का सुना है नाम, चातक पक्षी होता है वो केवल बादल से निकला हुआ सीधा वर्षा का पानी पीता है, वो यहाँ वहां नदी का पानी पीता नहीं है, इधर उधर बादलों से आने वाला पानी पीता है। वैसे भक्त जो होता है वो हमेशा भगवान की कृपा की याचना करता है, उसको यहाँ वहां से कृपा नहीं चाहिए, देवता की कृपा या फिर कोई बाबा की, कोई योगी की, कोई बुआ की, ऐसी कृपा नहीं है, वो कृष्ण कृपा चाहता है, कृष्ण से जो उसको प्राप्त हो रहा है, कृष्ण के चरण कमलों में वृद्धि, मतलब प्रेम की वृद्धि, ये चाहता है, ये भक्त का स्वभाव होता है। और इसको प्राप्त करते हुए जो भी दुख आएगा उसको वो धैर्य से सहन करता है, क्योंकि जानता है आत्मकृतम विपाकम, ये तो मेरे ही कृत्य जो है पहले उसका विपाक है, इस प्रकार से। तो मुद्दा यही है कि कभी भी जीवन में कठिनाई आएगी, भक्ति में दुख आएगा, तो इससे हताश नहीं होना चाहिए, हमें आगे बढ़ना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। भगवान की कृपा से शुद्धिकरण हो रहा है हमारा, कुछ समय तक वो पीड़ा रहेगी और चली जाएगी, बस भगवान हमें शुद्ध करना चाहते हैं, इसलिए वो जो है पिछले जन्म कर्मों का जन्म
हरे कृष्णा, आवाज आ रही है माता जी? नहीं आ रही। यस, थोड़ा डिस्कनेक्ट हो गया था। ओके, आपने सुना ये, मैं बता रहा था प्रभुपाद जी के समय एक व्यक्ति एक बार सब्जी काट रहा था सेवा में, कहाँ तक सुना आपने? तो मैं बता रहा था जो भी हमारे जीवन में दुख आते हैं वो हमारे पिछले कर्मों के कारण ही आते, तो इसलिए इसके एक प्रभुपाद जी एक बार थे जहाँ पे प्रारंभिक दिनों में एक भक्त जो है सब्जी काट रहे थे, और सब्जी काट रहे थे तो उनकी उंगली कट गई, तो उंगली कट गई थी, उन्होंने प्रभुपाद जी को कहा, प्रभुपाद जी मैं तो भगवान की सेवा कर रहा हूँ, मेरी उंगली कैसे कट गई? प्रभुपाद ने कहा, अरे तेरा गला कटने वाला था, भगवान ने केवल उंगली काटी। मतलब समझ रहे, मतलब हमारे जीवन के पिछले कर्मों से ही दुख आते हैं, तो प्रभुपाद जी ने कहा कि कृष्ण इतने कृपालु है कि उस कर्म को भी कम करके कम मात्रा में दे देते, थोड़ा सा कुछ हमें रिएक्शन देते हैं। तो हमारे जीवन में दुख आता है तो इसको ऐसे ग्रहण करना चाहिए, तत्ते अनुकंपा, अनुकंपा है भगवान की। क्या अनुकंपा है? भगवान कम करके दे रहे हैं, एक्चुअली शायद मेरे कर्मों के हिसाब से और दुख भोगना था, लेकिन भगवान ने देखा है कि ये तो अभी भक्त बन गया, इसको इतनी पीड़ा नहीं दूंगा मैं, इसको कम करके थोड़ा सा शुद्धिकरण के लिए कुछ पीड़ा जो है अपने कर्मों से आने दीजिए। तो ये वास्तविक सत्य है एक्चुअली, भगवान भक्त बनने के बाद उसके जीवन में कई दुख जो है पिछले कर्मों से आए हुए उसको कम कर देते हैं बहुत। आप देखे होंगे भगवान के भक्ति में आने के बाद कई बार ऐसा भयंकर कुछ दुर्घटना हो जाता है जिसमें तो हर कोई मर जाना चाहिए, लेकिन भक्त लोग जो है उसमें भी जी जाते हैं। भक्त लोग उस अवस्था में कृष्ण ने उनको थोड़ी बहुत पीड़ा तो हो गई उनके कर्मों के अनुसार, लेकिन भगवान ने उनकी जान बचा ली, ऐसा हो जाता है कई बार। एकदम हाल ही में मैं पूना में था तो एक भक्त का ऐसे ही हुआ, बहुत भयंकर दुर्घटना हुई। आप उस कार के चित्र को देख, फोटो को देखोगे तो बोलेगे इसमें कौन जीवित रह सकता है, लेकिन उसमें चार भक्त थे, उसमें दो ब्रह्मचारी थे और दो गृहस्थ प्रभु जी थे, चारों के चारों भक्त जीवित रह गए। सिर्फ जीवित ही नहीं रहे, किसी को ज्यादा खरोच भी नहीं आई, और कार पूरी ऐसी हो गई कि एकदम मानो लगेगा कि सब मर गए। तो बात मैं ये कर रहा हूँ कि बहुत बार ऐसा होता है कि कृष्ण हमारे जीवन में ये जो हमारे पिछले जन्मों के कारण दुख आने वाला है उसको कम करके भगवान दे देते हैं ऐसे। तो ये तत्तेनुकंपम का अर्थ है एक्चुअली, भगवान जीवन में कम करके दुख देते हैं। तो इसलिए हमको भगवान को दोष नहीं देना चाहिए, हमारे जीवन में दुख आता है तो उल्टा भगवान को धन्यवाद देना चाहिए कि भगवान आप हमारे जीवन में जो मेरे पिछले कर्म है उसके कम करके उसको जो है दुख मेरे जीवन में दे रहे हो। तो मैं आपको प्रणाम करता हूँ और आपसे कृपा की याचना करता हूँ कि स्थिति में भी मैं आपकी सेवा में अच्छे से बढ़ता जाऊं, अच्छे से बढ़ता जाऊं ऐसे। तो ये बात है, जैसे एक बार प्रभुपाद जी मॉर्निंग वॉक में थे और मॉर्निंग वॉक में प्रभुपाद जी ने देखा कि एक व्यक्ति एक तालाब के नजदीक कुछ बदक है, बदक उन बदक को खिला रहा था कुछ खाना, तो कुछ दाना वगैरह डाल रहा था, तो बदक को दाना डाल रहा था तो सबको डाल रहा था, लेकिन उसमें एक बदक इतना आवाज कर रहा था, क्वैक 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 क्वैक, इतना आवाज कर रहा था, इतना आवाज कर रहा था कि उसको वो जो व्यक्ति है उसने बहुत खाना दे रहा था, उसको बहुत दे रहा था क्योंकि वो बहुत चिल्ला रहा था ऐसे। तो प्रभुपाद जी ने इस दृश्य को देखा और भक्तों को पूछा, क्या सीखते हैं आप इससे? तो बेचारे भक्त क्या बोलेंगे, बोले प्रभुपाद जी हम लोगों को तो कुछ समझ नहीं रहा है, क्या सीखने, आप बोलिए। तो प्रभुपाद जी ने कहा, वो सबसे ज्यादा चिल्ला रहा था है कि नहीं, इसलिए उस व्यक्ति के ऊपर, हालांकि उस व्यक्ति के हाथ में है किसको कितना दाना देना है, लेकिन जो सबसे ज्यादा चिल्ला रहा था उसको उन्होंने सबसे ज्यादा दाना दिया, क्योंकि वो सबसे ज्यादा मांग रहा था, सबसे ज्यादा जो है वो दिखा रहा था कि उसको जरूरत है। तो वैसे ही प्रभुपाद ने कहा, भक्ति में जो कृष्ण के सामने सबसे ज्यादा रोता है ना, उसको कृष्ण कृपा करता है सबसे ज्यादा। कितना सुंदर कंक्लूजन निकाला देखिए प्रभुपाद जी ने, जो कृष्ण के सामने सबसे ज्यादा चाहता है, रोता है, कृष्ण आपकी कृपा दीजिए, कृष्ण कृष्ण मैं चाहता हूँ आपकी सेवा करना, कृष्ण कृपया मेरी रक्षा कीजिए, कृष्ण मुझे कृपया आपकी कृपा दीजिए, ऐसे जो रोता है भगवान के सामने, भगवान उसको सबसे ज्यादा कृपा करेंगे। लेकिन अगर हम लोग ऐसे भाव में रहेंगे कि
क्या है मेरे जीवन में तो कुछ परेशानी नहीं, ठीक सब बढ़िया चल रहा है, कृष्ण की कृपा की जरूरत है क्या, क्या जरूरत है, सब तो ठीक है, ऐसा भाव रहेगा तो फिर कृष्ण बोलेंगे अच्छा ठीक है भौतिक जगत में आनंद का अनुभव ले लो फिर आगे बढ़ो। लेकिन जो कृष्ण के प्रति बहुत कृपा याचना करता है, लौल्यम की चर्चा की ना हमने इसके पहले, उसको कृष्ण की कृपा मिलेगी, ये बात है। तो कृपा याचना से मैं ये बोल नहीं रहा हूं कि केवल कृपा याचना करे और सेवा नहीं करे, नाम नहीं जपे, नहीं, साधना तो करनी ही है, साधना के सारे अंग करते हुए जिसका अंदर से भाव है कृपा मांगने का, हे कृष्ण मेरे ऊपर कृपा कीजिए, राधा रानी मेरे ऊपर कृपा कीजिए, मैं भक्ति में प्रगति करना चाहता हूँ, मैं इस कठिनाई से गुजर रहा हूँ लेकिन आपके चरण कमलों को प्रेम से सेवा करना चाहता हूँ, ऐसा जो व्यक्त करता है बहुत कृष्ण को, ऐसे व्यक्त करने वाले व्यक्ति के ऊपर बहुत भगवान प्रसन्न होते हैं, ये बात है। यहाँ पे हृदय जो है वो रोना चाहिए, जैसे मैंने कहा इसके पहले, जो जिसका हृदय रोता है इस प्रकार से। तो यही इस प्रश्न का आधार है जो आपको दिया है ओपन बुक ने, कि कैसे एक भक्त का दुख के प्रति दृष्टिकोण होता है, ये आपको बताना है। भक्त अपने जीवन में दुख आते हैं तो कैसे उसको लेता है, समझ रहे हो, किस भाव से वो लेता है और कैसे फिर आगे बढ़ता है भक्ति में, इस चीज को आपको जो है इस प्रश्न के उत्तर में लिखना है ऐसे। तो फिर इस प्रकार से जो भी कोई इसको समझ के लिखेगा अच्छे से, वो समझा सकता है कि कैसे भक्त जो है भक्ति में अपने जीवन में जो भी दुख आते हैं उनको लेता है इस प्रकार से। तो इस विषय को अन्यत्र भी चर्चा हुई है, जैसे आपको रेफरेंसेस के रूप में इस विषय को कुछ रेफरेंसेस भी है कि भगवान के भक्त अपने जीवन में दुख आता है तो कैसे लेते हैं। तो इसको आप देखिए, ये विषय है श्रीमद् भागवतम के, इसको आप लिख सकते हो चाहिए तो, श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के 18वें अध्याय में भी इस विषय का चर्चा हो रही है, ये आप देख सकते हो। परीक्षित महाराज को जब शाप प्राप्त हुआ तो परीक्षित महाराज ने कैसे उस शाप को लिया, ये श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के 18वें अध्याय में है, वहां पे इसका वर्णन आ रहा है, खास करके श्लोक संख्या 2 श्लोक संख्या 48 इसमें आपको वर्णन मिलेगा। फिर 19वें अध्याय में भी श्लोक संख्या 2 और 4 प्रथम अध्याय के प्रथम स्कंद के 19वें अध्याय में भी इसकी चर्चा हो रही है। उसी प्रकार से विदुर भी तृतीय स्कंद के पहले अध्याय में इसकी चर्चा करते हैं, पहले ही श्लोक में देखिए इसी विषय के बारे में थोड़ी बहुत चर्चा हो रही है, तात्पर्य वगैरह पढ़िए, तात्पर्य में भी इसके बारे में मिलेगा। पहले श्लोक में, पहले अध्याय में हो रहा है, शायद पहले श्लोक से आगे भी होगा चर्चा, आप देख लीजिए उसको, आप देख सकते हो। उसी प्रकार से अवंती ब्राह्मण है 11वें स्कंद में, अवंती ब्राह्मण का गीत, उसमें भी इस विषय की चर्चा हो रही है कि भगवान अपने भक्त अपने जीवन में जो दुख आता है उसको कैसे ग्रहण करता है, उसकी चर्चा हो रही है। आप 11वां स्कंद में देखिए अवंती ब्राह्मण का गान, उसमें जो है ये आपको मिल जाएगा। सुदामा ब्राह्मण के बारे में भी वर्णन है, सुदामा ब्राह्मण ने अपने जीवन में जो दरिद्रता थी उसको कैसे ग्रहण किया, भगवान को दोष दिया उसके लिए नहीं, तो इसके बारे में भी सुदामा ब्राह्मण की कथा से भी आप कृष्णा ग्रंथ से या फिर भागवतम के दशम स्कंद से वर्णन जो है देख सकते हो। इसके अंतर्गत भागवतम के ही प्रथम स्कंद में जो धर्म और धरनी का संवाद है 17वें अध्याय में होगा, देखिए 17वें या 16वें अध्याय में होगा शायद, 16वें अध्याय में, तो 16वें अध्याय में धर्म और धरनी का सम्मान, जब परीक्षित पूछते हैं कि हे धर्म आपकी ये दशा किसने की, तो उसके ऊपर भी वहां पे प्रभुपाद चर्चा करते हैं कि जब भक्त को दुख के बारे में कोई पूछता है तो उसका क्या भाव होता है। तो इस प्रकार से मैं आपको बहुत सारे रेफरेंसेस बता रहा हूँ जहाँ पे इस विषय की चर्चा हो रही, इसको अच्छे से पढ़िए देखिए, प्रभुपाद कोट बुक भी देखिए, उसमें भी रेफरेंसेस मिलेंगे बहुत सारे, और इस विषय को एकदम अच्छे से लिखिए, भगवान के जीवन का, भगवान के भक्तों का क्या भाव होता है अपने जीवन में दुख आते हैं उसके, ये इस विषय की बात हो रही है। ठीक है, तो ये है खास करके अपना तत्कृपेक्षणम, भगवान की कृपा की राह देखना।
इसके बाद में और दो आइटम है, इसकी चर्चा बहुत छोटी सी है, मैं इसको करूंगा। स्मृति, तो स्मृति कहते हैं भगवान को सहजता से, एकदम जनरल वे में, एकदम सामान्यतः भगवान को याद करना, इसको कहते हैं स्मृति। भगवान को याद करना, भले ही भगवान की सेवा हो सकती है, भगवान के बारे में हो सकता है, भगवान से संबंधित कुछ भी चीज हो, उसको स्मृति कहते हैं। याद करना भगवान को, भगवान को याद करना, इसको कहते हैं स्मृति। लेकिन ध्यान जो है वो थोड़ा विशेष है, इसके आगे जो ध्यान आ रहा है ना वो बड़ा विशेष है, अंतिम आइटम है उस इसके अंतर्गत। तो देखिए, ध्यान में चार प्रकार का ध्यान होता है, भगवान का रूप ध्यान, भगवान का गुण ध्यान, भगवान का क्रीड़ा ध्यान एवं भगवान का सेवा ध्यान। ओके, तो ध्यान यानी भगवान के उस चीजों में बहुत अभिनिविष्ट हो जाना, एकदम विशेष चिंतन करते हुए उसमें अभिनिविष्ट एब्जॉर्ब हो जाना, इसको कहते हैं ध्यान। स्मृति जो है जनरल है, स्मृति यानी बस भगवान को याद कर लिया, लेकिन ध्यान यानी आप बहुत फोकस्ड होते हैं, उसमें फोकस है भगवान के ऊपर। तो ये चार प्रकार का ध्यान बताया है। रूप ध्यानम यानी भगवान के रूप का ध्यान करना चाहिए, जैसे आप अर्च विग्रह के ऊपर आके भगवान का दर्शन कर रहे हो तो उस अर्च विग्रह के ऊपर ध्यान करना चाहिए, एक एक भगवान के अंग को ध्यान करना चाहिए। इसके ऊपर तृतीय स्कंध में भागवत के वर्णन आता है बड़ा सुंदर, कैसे भगवान के अंगों के ऊपर ध्यान करना चाहिए। तो तृतीय स्कंध में इसको देखिए, एक मिनट, प्रभुपाद जी लिखे है कि यहाँ पे रेफरेंस एग्जैक्टली कौन सा चैप्टर है। ओके, तो इसमें तृतीय स्कंध में है, मुझे अध्याय याद नहीं आ रहा है, लेकिन बेसिकली श्लोक ऐसा शुरू होता है, ध्यायस ध्यायस भगवतः चरणारविंदम, यू नो ऐसे करके भगवान के रूप के ऊपर ध्यान करने के लिए कपिल मुनि जो है वो चर्चा करते हैं। तो कैसे ध्यान करना चाहिए, कई मंदिरों में उस श्लोकों के सेक्शन को लेके लगा देते हैं देखने के लिए कि कैसे भगवान के रूप के ऊपर ध्यान करना चाहिए। तो बेसिकली जो अर्च विग्रह है उनके रूप के ऊपर ध्यान करना चाहिए, भगवान के चरण कमलों से प्रारंभ करते हुए धीरे धीरे करके उनके अंतिम उनके मुखमंडल पे ध्यान करना चाहिए। ऐसे बड़ा सुंदर है भगवान के ऊपर ध्यान करना, स्पेशली जो भगवान के ऊपर ध्यान करेगा उसका भौतिक रूप के प्रति आकर्षण चला जाएगा इस चरण, उसमें भी खास करके कृष्ण की भ्रुकुटी के बीच में जो जगह है उस पे जो ध्यान करता है, ऐसा व्यक्ति काम विकार से बहुत जल्दी पीड़ित दूर हो जाता है, उस पीड़ा से वो निकल जाती है, क्योंकि कृष्ण की जो भ्रुकुटियां है वो धनुष के जैसी है, ऐसा धनुष होता है ना ऐसा, तो ऐसी उनकी भ्रुकुटियां है। तो जो उसको उसके ऊपर ध्यान करता है, कृष्ण बाण मारते हैं उसके ऊपर, अपने सौंदर्य के बाण मारते हैं, तो फिर उसका भौतिक जगत के सौंदर्य के प्रति आकर्षणता चला जाएगा। तो इसलिए रूप के ऊपर ध्यान करना चाहिए कृष्ण के, ये पहला चीज। गुण ध्यान, भगवान के गुणों के ऊपर ध्यान करना चाहिए, भगवान के गुणों को याद करते हुए, कैसे भगवान भक्त वत्सल है, कैसे भगवान जो है इतने सारे गुणों से सुशोभित है, ऐसे वो गुणक का ध्यान कहा गया है। फिर साथ ही साथ भगवान के तीसरा है क्रीड़ा ध्यान, तो भगवान की क्रीड़ा यानी भगवान की लीला का भी ध्यान करना चाहिए। ध्यान करना यानी खास करके उसमें अभिनिविष्ट हो जाना, उसके ऊपर कितना सुंदर भगवान लीला करते हैं, उस लीला को स्मरण करते हुए उस पर ध्यान करना ऐसे। या कभी कभी श्रवण को भी ध्यान कहा गया, श्रवण करते हुए आप अभिनिविष्ट हो गए पूरी तरह से, तो वो भी मानो ध्यान कर रहे हो आप लीला को, कितना सुंदर भगवान लीला कर। लेकिन श्रवण करते हुए क्या होता है, आप ध्यान में चले गए तो फिर वो आगे चर्चा आगे चली जाएगी, है कि नहीं, आप चर्चा आगे चली जाएगी, फिर आप सुन कैसे पाएंगे ऐसे। लेकिन अभिनिवेश ध्यान से आप समझिए एब्जॉर्प्शन, अभिनिवेश होना चाहिए। तो ऐसे तो भगवान की लीला के ऊपर भी व्यक्ति जो है ऐसे ध्यान कर सकता है। खास करके हम लोग हर स्थिति में भगवान के लीला रूप क्रीड़ा इसके ऊपर ध्यान करना चाहते हैं, जब भी संभव है। तो
तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ तक कि हम लोग जब निद्रा को जा रहे हैं, निद्रा निद्रिस्त हो रहे हैं, तो निद्रिस्त हो रहे हैं तो बस निद्रा आने तक भी हम लोग जो है भगवान के रूप के ऊपर या क्रीड़ा के ऊपर ध्यान करते हुए धीरे 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 फिर निद्रिस्त हो जाएंगे। ऐसी ऐसी स्थिति होनी चाहिए। तो अंत में जब निद्रिस्त भी हो रहे हैं तो कभी कभार हम लोग मतलब बेड पे सो गए तो अभी क्या विचार करेंगे, तो कोई भगवान की लीला को याद करते करते सो जाना चाहिए, या रूप के ऊपर भगवान के कितने सुंदर है भगवान, ऐसे मैंने आज भगवान का रूप देखा, ऐसे सुंदर वस्त्र पहने थे, ऐसे करके आप ध्यानस्थ होते होते फिर निद्रिस्त हो गए तो शायद सपने में भी भगवान आ जाएंगे, बड़ा सुंदर भगवान की कृपा हो जाएगी। ऐसे एक्चुअली भगवान का सपना आना वगैरह भी शास्त्र में बहुत सौभाग्यशाली कहा है, इतना सहजता से नहीं आता है भगवान का सपना, एटलीस्ट भक्तों को, साधक भक्तों के जीवन में अगर आप अगर पूरी तरह से अभिनिविष्ट है भगवान में तो फिर वो होता है, ऐसी बात है। एनीवे मुद्दा यह है कि ध्यान करना चाहिए इस प्रकार से गुण क्रीड़ा रूप आदि का, और साथ ही साथ सेवा ध्यानम भी कहा है, सेवा के ऊपर, ये चौथा ध्यान है। तो भगवान की सेवा के ऊपर ध्यान करना यानी क्या, कैसे मैं इस सेवा को अच्छा बना सकता हूँ और सुधार सकता हूँ, ये मन में विचार करना कि मैं ये सेवा कर रहा हूँ लेकिन इसको और अच्छे से कैसे कर सकता हूँ। भगवान के लिए आप भोग बना रही हो तो कैसे और अच्छे व्यंजन बना सकती हूँ, कौन से व्यंजन बना सकती हूँ। अभी अभी एक फेस्टिवल आने वाला है, मानिए जन्माष्टमी आने वाली है, तो उसमें मैंने क्या क्या सेवा करनी है, ऐसा जब हम लोग उसके ऊपर अभिनिविष्ट हो जाते हैं तो वो सेवा ध्यान कहलाता है। तो ऐसे सेवा के ऊपर भी ध्यान कर सकते हैं। इनफैक्ट जो प्रभुपाद जैसे महान भक्त है वो तो हर चीज को देख के उनको सेवा की याद आती है। प्रभुपाद जी ने मॉस्को में कुछ बिल्डिंग देखी जिसके बड़े अच्छे डोम थे, प्रभुपाद ने कहा मायापुर में मैं मंदिर बनाऊंगा तो ऐसे डोम बनाऊंगा। वहां पे भी प्रभुपाद जी ने एक ट्रक देखा सैन फ्रांसिस्को में, उस ट्रक फ्लैट बेड ट्रक बोलते हैं उसको, मतलब उस ट्रक को फ्लैट पीछे जो है फ्लैट था वो एकदम ऐसे, तो वो फ्लैट बेड ट्रक देख के प्रभुपाद जी ने क्या सोचा, जगन्नाथ जी को इनके ऊपर रख के रथ यात्रा करेंगे। तो देखो हम में से कितने लोगों को फ्लैट बेड ट्रक देख के जगन्नाथ रथ यात्रा याद आएंगे, लेकिन प्रभुपाद जी सेवा ध्यान, क्योंकि हमेशा इन सेवा भगवान की करना चाहते हैं, सुधरना चाहते हैं, तो जो भी देख रहे हैं उसमें भगवान की सेवा देख रहे हैं प्रभुपाद, तो इसको कहते हैं सेवा ध्यान। तो खास करके सेवा ध्यान जो है इसके संदर्भ में एक सुंदर कथा से अंत हो रहा है ये अध्याय, और कथा है प्रतिष्ठानपुर नाम के जगह के एक ब्राह्मण की, बड़ी सुंदर कथा है, आपने पढ़ी भी होगी, इसमें पढ़ लीजिए, ब्रह्म वैवर्त पुराण से कथा है। तो कैसे हम लोग ध्यान में भी भगवान की सेवा करते हैं भक्ति से तो भगवान उसको स्वीकार कर लेते हैं, ये बताया जा रहा है इसके अंतर। हमारे पास ध्यान में भी भगवान की सेवा करने की सुविधा है, आप सोचिए ऐसा कोई इस जगत में व्यक्ति है क्या जिसको आप ध्यान में सेवा करो और बोलो कि मैंने तुम्हारी ध्यान में सेवा की, वो बोलेगा अच्छा ध्यान में की क्या, मैंने भी तुम्हारी ध्यान में की सेवा, मेरे पास आके मत कुछ मांगो ऐसे। हाँ अगर पत्नी पति को कहती है प्रभु जी मैंने ध्यान में ही आपके लिए व्यंजन बना दिए आज, तो वो बोलेंगे अच्छा ध्यान में व्यंजन बना दिए तो मैं भी तुम्हारे लिए कुछ लाना है तो ध्यान में लेके आऊंगा है कि नहीं। तो कृष्ण का ऐसा नहीं है, एक्चुअली कृष्ण बड़े अमेजिंग पर्सनैलिटी है, आप देखिए बड़े विशेष व्यक्ति है, चेतसा सेव्य, कृष्ण का नाम है चेतसा सेव्य, जो चेतना जो मन से भी जिनकी सेवा हो सकती है ऐसे भगवान है चेतसा सेव्य। तो इसमें ये प्रतिष्ठानपुर ब्राह्मण की कथा आ रही है जिसमें बताया है कि कैसे ये प्रतिष्ठानपुर के ब्राह्मण थे, ये ब्राह्मण इनके पास ज्यादा धन नहीं था, तो धन नहीं था उसके कारण भगवान की सेवा बहुत अच्छे से नहीं कर पाते थे, मतलब भगवान के लिए जो जो व्यंजन बनाना आया। लेकिन उन्होंने एक बार एक कथा, मैं तो ब्रीफली बता रहा हूँ आप पढ़ लीजिए अच्छे से, एक बार एक कथाकार से उन्होंने सुना कि भगवान चेतसा सेव्य है, भगवान को तो ध्यान में भी उनकी सेवा कर सकते हैं, तो उनको तो बढ़िया लगा, फिर रोज भगवान की ध्यान में सेवा करने लगे, वो भगवान को ध्यान में ही सब कुछ, वस्त्र आभूषण पहनाना, सुंदर अलंकार लगाना भगवान को ऐसे।
तो ऐसे भक्ति में बहुत प्रगत हो गए ध्यान में ही सेवा कर कर। एक बार उन्होंने भगवान के लिए सुंदर खीर बनानी चाहिए तो बड़े सुंदर सुंदर व्यंजन इकट्ठे किए, सब ध्यान में चल रहे हैं। अभी ध्यान में है तो फिर क्या, खीर बनाने के लिए आप पद्मगंधा गाय का दूध भी ला सकते हो और बासमती में बासमती क्या, सबसे बढ़िया बासमती चावल लाइए, जहां यू नो कर्पूर सबसे बढ़िया मिलता है वो कर्पूर लेके आइए, जो भी व्यंजन आप, माताएं जानती है क्या क्या लगेगा खीर के लिए, तो वो सब ऐसे व्यंजन लेके आए और उन्होंने ऐसी खीर बनाई बढ़िया एकदम। भगवान को बहुत अच्छे से वो स्टरिंग वो बनाते 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 चूल्हे, और जब बनाई तो फिर भगवान को अर्पण करनी है तो सिर्फ देखना चाहते थे कि क्या बहुत गर्म है क्या, क्योंकि भगवान को अर्पण करते हुए व्यंजन बहुत गर्म नहीं अर्पण करना चाहिए, एकदम ठीक ऐसा होना चाहिए जो उचित उसका तापमान हो, और खास करके खीर तो ठंडी ही सर्व करनी चाहिए, खीर को गर्म नहीं सर्व करते, शास्त्र में लिखा है ये। तो खीर जो है वो अर्पण करना चाहते थे तो उन्होंने केवल देखा कि वो जो है कितना गर्म है खीर, तो ऐसे टच किया खीर को देखने के लिए, एक प्रॉपर विधि है टच भी करना होता है, तो ऐसे नहीं हम उंगली नहीं डालते उसमें, भगवान के व्यंजन में उंगली नहीं डाली जाती है कभी भी, नाखून नहीं लगने चाहिए भगवान के व्यंजन को, तो ऐसे ऐसे टच कर दे ऐसे, ये वाली चीज उससे, तो इस प्रकार से शास्त्र में लिखा है उन्होंने टच किया। प्रभुपाद जी कहते हैं कई कई जगह लिखा है उन्होंने टच नहीं किया लेकिन बस बाहर से पात्र को स्पर्श किया, तो जो भी है कथा में एक अलग अलग प्रकार से बोला जा सकता। वो देखना चाहते थे कि कितना गर्म है, तो देख लिया उन्होंने गर्म तो तुरंत, इतना गर्म था वो क्योंकि अभी अभी बना था, उंगली जल गई उनकी एकदम, उंगली जल के वहां पे चिन्ह हो गया, तो जैसे ही उंगली जल गई तो वो उंगली के जलने से उनका ध्यान टूटा और ध्यान टूट के वो बाहरी चेतना में आ गए, जब देखा तो सही में उंगली जल गई थी उनकी, वास्तविक उंगली जल गई। तो जैसे ही ये भगवान ऊपर वैकुंठ धाम से ये देख रहे थे नीचे, जब ये ऐसे उंगली जल के उन्होंने, ब्राह्मण ने देखा रे उंगली जल गई, तो भगवान हंसने लगे ऊपर वैकुंठ में, तो लक्ष्मी देवी पूछने लगी अरे भगवान आप अकेले हंस रहे हो, क्यों हंस रहे हो, मुझे भी बताइए क्या हुआ। तो लक्ष्मी जी को भगवान कुछ बोले नहीं, सीधा नीचे आके भगवान इस ब्राह्मण को वैकुंठ धाम लेके चले गए अपने, और फिर लक्ष्मी को बताया कि क्या हुआ नीचे, क्यों मैं हंस रहा था, कि कैसे इस ब्राह्मण ने ध्यान में खीर बनाई, लेकिन मैं तो चेतसा सेव्य हूँ, तो ध्यान में बनाने से भी उसकी इतनी भक्ति थी कि वास्तविक उसकी उंगली जल गई, क्योंकि वास्तविक वो खीर मैंने स्वीकार की। तो ये सेवा ध्यानम की विशेषता है, आप ध्यान में भी अगर भगवान की सेवा करते हो लेकिन उसमें शुद्ध भक्ति का भाव है, शुद्ध भक्ति से कर रहे हो, तो भगवान उसको स्वीकार करेंगे। तो ये इतनी महानता है भगवान की, एक्चुअली कौन इस जगत में ऐसा हो सकता है। तो इसीलिए इस चीज को भी बहुत महत्वपूर्ण कहा है सेवा ध्यान। इसलिए डीटी वर्शिप में भी मानस पूजा होती है, आप में से जो अर्च विग्रह की सेवा करते हैं उनको पता होगा, मानस पूजा में हम क्या करते हैं, भगवान की सेवा करने के पहले सारा ध्यान करते हैं मन में, मैं अभी भगवान को ये अर्पण कर रहा हूँ, ये वस्त्र अर्पण कर रहा हूँ, ये तांबुल अर्पण कर रहा हूँ, ऐसे तो उस अर्पण करने में तो ध्यान में है ना, तो उसमें कुछ भी रोक नहीं है, मैं भगवान को सुवर्ण अलंकार अर्पण कर सकता हूँ, मैं भगवान को सबसे बढ़िया वस्त्र अर्पण कर सकता हूँ, भगवान को हिमालय से लाके ब्रह्म कमल अर्पण कर सकता हूँ, सब कुछ कर सकता हूँ, क्योंकि उसमें तो क्या है, सारे सप्त सिंधुओं से सारी सात पवित्र नदियों से पानी लाके उससे जल स्नान करवा सकता हूँ, ये तो ध्यान में हो रहा है। बाद में अंदर जाएंगे अल्टर में तो ठीक है, हमारे टैप से लेके ही पानी जो है स्नान करवा रहे, या जो भी प्लास्टिक की हमारी ज्वेलरी है वो डाल रहे, जो भी कुछ, लेकिन मानस पूजा कितनी बढ़िया है, उसमें आप सब अर्पण कर सकते हो। तो ऐसी मानस पूजा करके फिर अर्च विग्रह की सेवा करते हैं, ये खास करके प्राण प्रतिष्ठा विग्रह में विधि है, इसको आप आगे चल के सीख भी जाओगे, नो प्रॉब्लम। तो मुद्दा ये है कि ऐसे ध्यान का महत्व है, इसलिए हमारे जीवन में भी हमने भगवान के ध्यान को ऐसे चीपली नहीं लेना चाहिए, एक्चुअली बहुत अच्छी चीज है। अर्थात ऐसे नहीं कि आप में शक्ति है
आप में पात्रता है, आप में रिसोर्सेस है, तो भी ध्यान में ही सेवा करेंगे, ऐसी बात नहीं है। अगर आप में शक्ति है तो स्वाभाविक रूप से करिए उसको। ये बात खास करके ध्यान की हो रही है जब हम लोग अशक्त है, हम लोग नहीं कर सकते, हमारे पास उतना संसाधन नहीं है या फिर वैसी अपॉर्चुनिटी नहीं है। अगर कर सकते हैं तो निश्चित करना चाहिए, नहीं तो ऐसा ना हो जाए कि प्रभु जी मैंने ध्यान कर लिया, माला 16 माला हो गई मेरी ध्यान में, ऐसे नहीं, ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है। या फिर प्रभु जी मैं आज के शाम में प्रोग्राम में तो आ नहीं पाऊंगा, लेकिन मैं घर बैठ के ही सोच रहा हूँ ध्यान कर लूं घर पे, हो गए, नहीं ऐसी बात नहीं। इसके साथ मैं अंत करूंगा। लास्ट चीज, जब वसुदेव जी को कृष्ण का जन्म हुआ तो वसुदेव जी इतने प्रसन्न हो गए, कृष्ण का जन्म हुआ मथुरा में तो आविर्भूत हुए कृष्ण, तो वसुदेव जी बहुत दान करना चाहते थे, ब्राह्मणों को दान देना चाहते थे, क्योंकि पुत्र का जन्म हुआ है, बहुत प्रसन्न हो गए थे। तो उन्होंने तब तो लेकिन कारागृह में थे कंस के, तो कुछ दान नहीं दे सकते थे, तो उन्होंने मन में दान दे दिया, कई कई गायें गौवें हजारों गौवें दान दे दी मन में, ब्राह्मणों को धन दे दिया, वस्त्र दे दिया, आभूषण दे दिया, ऐसे मन में ही सब मन में चल रहा इस प्रकार से, क्योंकि देना चाहते थे। लेकिन फिर जब भगवान की कृपा से कंस का वध हुआ और वो बाहर निकले कारागृह से, तो ऐसे नहीं कि तब ध्यान में दान दे दिया था, उन्होंने याद किया कि मैंने तो तब ध्यान में दिया था लेकिन वास्तविक कर नहीं पाया था सेवा, बाहर आने के बाद उन्होंने दान दे दिया सबको, वो जो भी उन्होंने दान निश्चित किया था हजारों गायें वगैरह उन्होंने बाहर आने के बाद दे दी। ऐसे नहीं अच्छा था उस वक्त जेल में था, चलो हो गया दान मन में दे दिया, हो गया नहीं, बाहर आके उन्होंने जब यथाशक्ति जब शक्ति हुई तो देखिए उन्होंने एक्चुअली दे दिया सबको दान, वो जो भी प्रॉमिस किया था उन्होंने। तो ऐसा भक्त का भाव होता है, कभी भी वो सेवा को करना चाहता है इस प्रकार से। तो ऐसे इस अध्याय में ये चार तत्वों की चर्चा हुई है। इसके पश्चात जो है भगवत सेवा के नाना रूप, ये जो है अगले अध्याय में हम चर्चा करेंगे। तो खास करके इसको भी आज मैं करना चाहता था, कर नहीं पाया, इसकी चर्चा ज्यादा नहीं है, 20 मिनट में खत्म हो जाएगी इसको, ठीक है हम लोग अगले सत्र में देख लेंगे इसको। तो आप अगले सत्र में आते हुए 11 और 12 13 14 इसको पढ़ के आइए, देख के आइए, चर्चा तो करूंगा ही मैं, लेकिन अगर आपको पहले से पता है तो फिर बड़े जल्दी समझ जाओगे फटाफट जो भी बोला है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं विराम दूंगा आज के सत्र का। अगर मानिए किसी व्यक्ति का बहुत ही इसके ऊपर महत्वपूर्ण प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, 5 मिनट लूंगा और, या फिर आप व्हाट्सएप कीजिए मुझे बाद में, तभी भी पूछ सकते हैं। किसी का प्रश्न है कोई इसके ऊपर जो हमने चर्चा की, श्रवण और ये चार अंग जो है, श्रवण, तत्कृपेक्षणम, स्मृति एवं ध्यान। तो ठीक है मेरे अरविंद प्रभु। ओके, हरे कृष्ण प्रभु जी, तुम्हारा नाम ना प्रभु जी, जो एक प्रश्न था दीपक प्रभु का जिसमें आपने बताया था नारद पंचरात्र पढ़ने के लिए, दैट बुक, मैंने कहा पंचरात्र प्रदीप, हां वो बुक एंड अर्चना पद्धति बहुत सारे सेम प्रभु और थे। हां अर्चना पद्धति जो है उससे पंचरात्र प्रदीप थोड़ा ज्यादा विस्तार से है। पंचरात्र प्रदीप आपको वेदाबेस, आपके पास वेदाबेस फोलियो है तो फोलियो में आपने देखा है पंचरात्र प्रदीप है, फोलियो में एक रेफरेंस है हैंडबुक्स एंड रेफरेंस, उसमें जाइए, उसमें पंचरात्र प्रदीप दिखेगा। तो पंचरात्र प्रदीप में बहुत बहुत सारा जगह से बहुत प्रकार का इंफॉर्मेशन है, तो उसको पढ़ सकते हैं आप, वेदाबेस में है वो फोलियो में। अन्य कोई प्रश्न है किसी का? ठीक है, मेरे ख्याल से किसी का अभी आज के सत्र पे तो प्रश्न नहीं है। तो कृपया अगले सत्र में आप होमवर्क करके आइए, इन अध्यायों को पढ़िए, क्योंकि हम लोग आगे बढ़ रहे तो सारे अंगों पे विस्तार से चर्चा नहीं कर पाएंगे, जितना भी समय है हम उसमें, मैं प्रमुख प्रमुख अंगों की चर्चा करते हुए आगे बढ़ूंगा, इसलिए इसको आप स्वयं से पढ़ के भी आइए। ठीक, ग्रंथराज श्री भक्ति रसामृत सिंधु की जय, जय श्रील प्रभुपाद की जय, जय रूप गोस्वामी की जय, निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हम सभी भक्तों को धन्यवाद करते हैं।